रसत गुरु अमृत वाणी दूधारो दूध पानी दूधारो दूध पानी दो पानी अमर हो जाओ गुरु महाराज
गुरु हरावे ते अलक सब रोगी सतग रुवे ते अलक सब रोगी राम भजे जानी काया निरोगी राम भजे जानी काया निरोगी बोलिया मरा सतगुरु अमृत वाणी बोलिया मरा ज्ञानी करो अमृत वाणी बोलो अमृत वाणी दूधारा दूध पानी रा पानी दूधारा दूध पानी रा पानी सजना जका पल पल ने दान और धर्म कर सेवा कर कीर्तन कर पवित्र कर रिया है बन कोई पिस्ता नहीं है जावे तो छो जावे और जावे जी तो कोई पुण्यार्थ में जावे हाव श्याम रे 6 बजे होर सुबह 10 बजे उठियार ई सब हबीडा में नींद में उम्र जावे किकर पल्ले पड़ी भाई किकर पल्ले पड़ी विचार करो एक मिनट के लिए सोचनो पड़ी अनंत कोटि कृपा इसलिए वाणी में शुद्धता कब आएगी जब आप कोई अच्छे संतों की शरण में जाओगे अच्छा पुण्यार्थ करोगे जेड़ो करो संग बेड़ो लागी रंग जेड़ो पियो पानी बेड़ी बणी बाणी जेड़ो खाओ अन्न बेड़ो बणी मन और जेड़ी राखवा दृष्टि हमें बेड़ी दी की सृष्टि हिरणी के दो बच्चा और हिरणी बच्चा रे भोजन वास्ते जंगल में गई जरा दोनों बच्चा ने कहो वो दोनों दी के भी परले पाड़े मत जाजियो पी परले पाड़े शेर रेवे जगो वो शेर था ने खत्म कर दे अब बेटा दोनों यहां भरी और हिरणी चली गई और जाने रे बाद में मोटो भाई छोटे भाई ने कहो रे मां अपन कहो भी दोरे उबड़ने शेर रेवे आप देख ला कहीं मात वाला उनमें दिली टेम लागी बोली छोटकियो भाई मोटोड़े ने कहो नहीं भाई शेर सही केड़ो ही है आप देखा तो मां ने पूछ रही देखा आपा माँ कहो हाँ भरी अब आप देखना लाजन माँ कहो जकी हारो अपनो कही हुई
बोलो राम, और बोलो राम, जोर से बोलो राम। ये कैमरे आकर कम निकलो इन कट आउट जाए। जो भी सेवा करो हर वास्ते जोरदार ताली बजाओ, पर मीडिया ला वास्ते आरी ताली बजाओ। आपनी सही अड़की बात रे अहंकारो लगा जे नाहीं, दान देर पिचता जे नाहीं। इरनी क्यों इर कान को आनी, ए दोहा छोटकी रे कान ओ बच गियो, एर ओ बिला कान रहो। बात मैं दोया ने बरोबर केर की, बड़ी खाली जगिया जगिया ही कान काम में लिया कोनी, तो कान काम में नहीं लिया तो हार नहीं बरोबर हा। ई वास्ते कान हो जोगो तो बच गियो, और बिना कान वाले थारे चक्कर में पकड़ी जी। शेर क्यों वाह भाई वाह। तो सजना एक कान के वास्ते दिया है, आप काम नहीं लिया तो ओड़बो भगवान जी हेली कई मंत्र एक बात रो उतर दे। अपन सही प्रकार सब चीजा दे दी भाड़िया पा ओड़बो राम जी देवा। नहीं भाई इतनी ठगुराई नहीं चले आपा की है। पांच चीजा अपन ने अटे धारण करनी पड़ी, और बे किसी मीठो बोलन निव चलन पर ओगण ढकलेत, पाछू चंगा नानका पच हरी बजे हाथा लेत। सबो पहले मीठो बोलनो, केवल मीठो बोलने को काम नहीं चले। गणा मीठा बोला लोग आईडियो लगाई के मीठो ठग गए। अभी वह इरे साते काई झुकर चलनो नैनो बन जा नानका। संत लिखियो है नैनो बन जा नानका राई का बांटा बीस, बीसा का तू तीस करे जद मिल जावे जगदीश। बोलो भूमिया सा दरबार की। मीठो बोलन निव चलन पर ओगन ढकले की कर। महापुरुष लिखियो गोपाल जी, पहले मन अपना परमोदो पीछे पाउंडो दीजियो, भक्ति मन भवे तो कीजियो। मान लो मन क्यों नहीं मने तो दोष भूमिया जी ने मती दीजियो। मेलो आपा मांडियो, सब कुछ व्यवस्था आपा करी, टेंट आपा लगायो, धूप आपा कर रिया है, प्रसाद आपा बढ़ाई, एर पच्चे भजनाड़ी जिग्या एर ओड़ वो अन्य देवे आ बात हन कितनी ठीक लगे ना। अरे वाह गिरधर गोपाल थारी माया बड़ी अटपटी, पर झटपट लकी ने जाय। आ कोई ने दूध में जाऊन देता है, कोई टाबर पुगेर जाऊन ने लाई देनी है, तो एक तो दूध जावे एक दही जावे है। अब थे घरों आई भी गियर भागा दौड़ी हगी से, यूं तो तिल कोरा भला के ली जो तेल कड़ा यद बिचली कोलर बूंदी या दोनों दिन ही जित जा। अट मैं मानू इति सभा में दो ही आदमी जे शब्द धारण कर और परिवार रे महीने बाद नियम ने पालन कर ले, तो समझ लो आ रात्रि है जगी मारी थारी सफल है। आ सत्संग अमर जड़ी है, लाभ लियो जकेनी खबर पड़ी है। भगवान कानी पूछे जात पात, आ कुर्सी है उदाहरण दे दू मैं भगवान रो। किसी जात को आर बैठ जियो, आ कौन के तू मत बैठ, कई कई धन राम ने बेटी है, हैं? पर आनता या कौन पूछे थारो भजन की तो इतना तू बीटा हूं तो बीटा हूं कोनी, थारो रंग केड़ो इतना बीटा हूं तो बीटा हूं कोनी, थारो ओढ़ने हेग नहीं बीटा हूं कोनी। की चीज नहीं केवे, आप जैसा हो आप सबके लिए व्यवस्था बरोबर है। अबीर भाई ने कुंटलू हल्लो भजन रा टूट गई तेरी गलती थारी गलती है। इरो विचार कर लो सजनो, परमात्मा किसी के घर में खराब करते ही नहीं है, सब अपने कर्मों से होता है। और मैं मानता हूं कर्म में दो प्रकार का, गीता को ज्ञान पढ़ लो, एक है शुभ और एक है अशुभ। भगवान कृष्ण बेटा है और भगवान कृष्ण का एक थैली है, और अति ने आपारी सभा बेटी जो पांडव भी बेटा और केरव भी बेटा है, और सबरी नजरे भी थैली पर के थैली में खाई है। भगवान कृष्ण दुर्योधन ने लो पड़ियो अटिया, क्यों हुकम ई थैली रमाइन हीरा है, तू जा ई सभा रमाइन हुड़ जुड़ा आदमी जके ने एक एक हीरो बांटर आजा। हुड़ जुड़ा नाव लेता ही, अब खुद हुड़ जुड़ नहीं वेदना आगलो हुड़ जुड़ दी कहके। दुर्योधन क्यों महाराज भेजो भलाई क्यों घोड़ा घालो, ई सभा रमाइन हुड़ जुड़ हूं जना तू खाली एक ही और मन हीरो थे भलाई दे दो। भगवान कृष्ण क्यों नहीं भाई जा। दुर्योधन सब कने गयो, तो सजना जको अपने आप ने खुदा मान रहे बैठे दुजुड़ो बढ़िया लगे है के नहीं लगे। एक नहीं हेरो नहीं दियो, भगवान कृष्ण कने ही रहो भरोड़ी थैली लार पाची रख दी, क्यों महाराज इस सभा में कोई हुड़ जुड़ो है ही। भगवान कृष्ण क्यों ठीक भाई दुर्योधन,
अब थैली बाई है प्रसंग पर ध्यान देना। और भगवान युधिष्ठिर जी ने बुलाया है, युधिष्ठिर अटिया के हुकम महाराज ये थैली में नीरा है और सबई हगे ही आ सबर मैंने हुड़ जोड़ो जगह ने एक एक हीरो बांट रहा। दुर्योधन बीची उठियो क्यों हूं जा रहा हो पति इनके फोड़ कर लो। भगवान क्यों दुर्योधन वस्तु एक ही है लेवन लड़ाई हकी है बट देव ने जगह ले जावे जगह दो है तू हो दुर्योधन ओ है युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर बा थैली लेन गयो। अब धनता युधिष्ठिर को नाम है सुमता यानी कि सदबुद्धि। युधिष्ठिर गयो सभी बे तो हुड़जुड़ी दिखिया सब हुड़जुड़ा दिखिया सब ने दंडोत कर एक हीरो नहीं बांटे। और भगवान कृष्ण ने लार हीरो भरी थैली पाछी पकड़ा दी। युधिष्ठिर हीरा नहीं बांटिया। युधिष्ठिर क्यों महाराज करूं काई हुड़जुड़ा हल्ला है थैली में हीरा कम है। हुड़जुड़ा हल्ला है हीरा थैली में कम है महाराज मैं किने बांटू और किने नहीं बांटू। यदि सब ने देना है तो थैली में हीरा और देव। भगवान कृष्ण कियो हीरा रो मतलब हो बर्तन पहली तकड़ो वे पहले मन अपना परमोदो पीछे पाउंडो दीजो भक्ति मन भावे तो कीजो मान लो मन कियो नहीं माने तो दोष गुरु देवता और घर का माँ बाप ने मति दीजो। थे बेटा मंदी को प्रत्यक्ष बिल्कुल मैं बेटे धन गंदी का मैं बेटे धन दिखा आड़ तेड की करवा खांगा डोडा की करवा थी दिखो और मई दिखा पर मई लो जगो चलो ना डलूर थाल डो खांगो डोडो की डो गए वो मन कौन दिखे पर मार डो डलूर धन दिखे के पर थारो डलूर थाऊ छनो को नीर मारो डलूर माऊ छनो को नी मई ने तो रोड़ा हो रिया रेडी कुने तई हाथ जोड़ा कोई हुनल कोई नोस ने जुसी दी बात मई ने जको असली ठाकुर है नी जको मई ने बैठो है वो गमुड़ो कोई नी गमुड़ा आपा हुरदासी लालटेन लेर निकल गए तो हुरदासी बरताई के ही कौन बंदी कई कौन बार लालटेन लेर निकल लो काई मतलब पे लालटेन लेर निकल गा हम ही भाई होश तो आई गो आंखिया क्यों मरा थे तो सुरदासी क्यों हां तो मरा थे लालटेन काई करो हुरदासी क्यों लालटेन मारे की जरूरत को ना थार वास्ती है जे लालटेन नहीं होती तो तू बटीड पको खानतो आ लालटेन नहीं होती तो तू मऊ पको भिड़तो और एकदम खेपी रूप लेवे कि नहीं लेवे भाई डोको रोप दो खाको डोडी को विचार करो अरे भी नहीं लावता रे डोका देख ले इन थे मानो कि नहीं मानो बड़े भगवान की तो गोल्ड गिफ्ट दे दे माता पिता बर्तन बनिया बर्तन बिना पुरस्कारी वह गई तो माता पिता बर्तन बनिया भगवान की करुड़ी कृपा ने माता पिता उजागर कर दी तो दूजी कृपा है माता और पिता री माता पिता वो शरीर बनियो इमे सात धातु है इमे तीन है पिता का चार है माता का जन माँ अपन पति याद एक मत लागे तो यहाँ पका कोई मावड़ी आ कोई कौन के कोई भापड़ा रे क्यों माँ तो माई और भारत भूमि में पांच माँ को ले कावे धरती धरती माता गाय गाय माता क्योंकि 33 कोटी देवता गाय के शरीर में विराजित है। और भारत में स्वामी विवेकानंद विदेश गया कोई भाई अंग्रेजी पूछो आपने भारत में नदी बड़ी किसी है स्वामी जी क्यों यमुना पूछना लो क्यों महाराज उत्तर गलत दे दियो मैं तो सुनी थारे भारत में सब बड़ी नदी गंगा है स्वामी जी क्यों गलत सुन लियो गंगा नदी नहीं है गंगा तुम्हारी माता है शरीर में जीव निकले तो जीव रो उद्धार करे जे माँ गंगा तो आ भारत में गंगा माता बेती है पाकिस्तान में नहीं बेती है वहां सिंधु नदी चलती है जिस देश में हमारा जन्म हुआ वहां पर गंगा बेती है और ये सत्संग रूपी गंगा ई गंगा में डुबकी लगाई लो मन हो जावे चंगा है सजना पिस्ता मेरे अलावा की नहीं बचे लो कपड़े पर जरदू ज्यादा बेगू ही धूपी ये तो जोर पड़े को ये नहीं तो भारत माता धरती माता गंगा माता गौ माता और जन्म देवनाली माता ने कोटि कोटि वंदन और प्रणाम। अब मात पिता ही कृपा कर दी अब ब्राह्मण देवता कृपा कर दी जाकर साहब आया तो बच्चो जल में रिया बच्ची जल में आज कोई रा नाम है कोई अट होनी कहीं फलाने मुड़ो जलमियो कटी सुनी के फलाने गीता जलमी ए नाम करण कुण क्रिया गुरु महाराज और मैं थाने बहुत बताऊं मरमरी एक टीपने रे मायने एक एडी विद्या है यदि ब्राह्मण विद्वान
और ज्योतिष को जानकर और विधि विधान अनुसार जलम कुल का नक्तर देख पांच नाव को अपन ऊपर देवे देवे कि नहीं देवे। बड़े ब्राह्मण का नाम दीवड़ा आजकल 50% जाके नाम तो पेल पोत आप रही फिजिकल फिट कर क्यों नाम मुकना राम निकलियो कोई कोई मतलब को नाव पड़ा चिंटू नाव खटू आया बाल जी चिंटू पिंटू अबलू खबलू। अब मैं थाने पूछू मैं ब्राह्मण को दोष कापा को दोष ब्राह्मण तो आपरा नाम बता दिया कि राके तो थारी इच्छा भाई नहीं राके तो थारी इच्छा। अब गुरु महाराज नामकरण कर दियो। अब स्कूल में गया गुरुजी पढ़ावे मैं थाने प्रसंग देऊं मरमरो एक क्लास में 50 बच्चा बैठा रहे मास्टर जी पढ़ाने वाला एक ही वे ना वे एक नहीं वे जैसे मान लो कक्षा 4 है और मास्टर जी पढ़ाने वाला एक स्कूल में बच्चा भी कक्षा महीने 40 मास्टर जी ने पाठ पढ़ाने वालों एक किताब रो पेच एक शमी बोर्ड एक बोलन को सबरे वास्ते शब्द एक और बर्तन है जका 40 सही बर्तन मांडे देखो फर्स्ट डिवीजन आदो बर्तन मांडे देखो सेकंड डिवीजन चौथा डोक बर्तन मांडे थर्ड डिवीजन मानने की कोशिश करे बिरे सप्लीमेंट्री। अब गुरुजी शब्द रूपी पुष्करी करे बर्तन ने उन दो मार दे बे तो फेल ही हुई मन पास होड़ा मैं सुनिया को सजना ये सत्संग में बोलने वाला एक हूं मैं शब्द एक बोलता हूं बर्तन कितने बैठे हैं। अब थारो बर्तन ही उन्दो मारी इसके तो मालूम शब्द के असर करी वो बारू ही सीखनो हुई माइनू सीखनो कटी वे कौन नीर बारू सीखनो उड़ो न्याल की करेल कौन सीखनो धन माइनू युनु पड़ी है। अब अर्थ है मान लो एक गिरो फिंपो भर लो 15 किलर और चारा का नहीं चोपड़ो महीनो भर थे माता उजिया हो गई थे माता उजिया हो गई भी गियो कदे ही माता नहीं हो सका माता उड़ो है तो थाने विधि अनुसार खानो पड़ी आ कौन दे दिन रो 2 किला पी लियो तो आपको दिन भले अपने उन्हीं कर जो आदमी लोटो ही रही पड़े नीचो को इवास्ते सजना ये शब्द धीरे 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 घट में उतारो। आ कौन डॉक्टर 5 दिन की दो ही पहली देवे भी वो पहली घड़ो मरीज वेद बिन 3 दिन की अटकड़े के 3 दिन तू दो ही लीजे नीमू पच बिन 5 दिन रुक रहे 5 जन पूछे थारा सर कितो करियो क्यों ठीक हो क्यों ठीक है 10 दिन ले क्यों अब की करे क्यों अब ठीक हूँ ले 15 दिनारी क्यों अब की तो अब की कर ठीक है क्यों ले 20 दिनारी अब की करे क्यों 1 महीने की ले ले क्यों अब मारे एकदम आराम है क्यों बंद कर दे तो स्वस्थ हो चुकी है वारे सांवरिया से लोग कहते सत्संग नहीं मर्यादा कम हो गई है। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ कहाँ सत्संग रही है गौने ला कहीं गावे चाल मारी गोरी ये रूनी चमे डीजे माजे नाच बड़ रामदेव जी पुरुष पड़ी डीजे उनकी सजनो सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा बुकार खत्म करना तो कुंदन खानी पड़ी शकरू बुकार खत्म होड़ा मैं देखिया कौन है जड़ के बोले मेरा सतगुरु अमृत बाणी बट दूध और दूध रहे पानी को पानी दूध और पानी ने बेड़ा मिला दे तो एक बारे हंस पक्षी वे जको दूध ने अलग कर सके वो हंस पक्षी बारे है बट जको मैंने नहीं और दूध और पानी कहीं है ए जीती भी परमात्मा की कृपाओं गंदगियां है अन्य बुरी बाता ने छोड़ और सच्ची बाता ने धारण करे अमृत बन जावे बा हंस वर्ती है संगति कर लो निर्मल साध की थारो आनो जानो मिट जाय चंदन उगो बन बावनो खुशी भई बन राय आप चंदन ओरा ने करे सुगंधे चंदन के जय बोलो सतगुरु जी महाराज की अमर हो जाओ बारे सावरिया 3 चीजें खुद ने करनी पड़े प्रत्यक्ष किसी खेती पाती वीणती मोरा तनी खुजाड़ जे सुख चावे जीव रोई ने आपो आप संभाल खेती खुद ने करनी पड़े बिन ठाए मिर्गा में किसो दान वे आदरा में किसो वे खादरा में किसो वे पंद्रपुक में किसो वे पुक में किसो वे असलेटा में किसो वे असलेटा रा नक्तर जाता रहे किसान ने विश्वास वेर मगा रा नक्तर बचे तो ही वो चिंता कौन करे के चिंता मत करो मगा में बरसात होगी अर दोरे को खेत है मूंग तो कहींटा वे नहीं वे बाजरी कहींटा वे नहीं वे मोड़ तो तगड़ा ही जुझा है पर मगड़ा नक्तर निकल गया तो नक्तर आई उतरार चित्रा रास्ता बहु भले ही पोयो नीचा नहीं जाए उपरानी वो कड़े को अब 10 साल ताई मिर्गा है 20 साल ताई आदरा है 30 साल ताई खादरा है 40 ताई 15 पुक है 50 ताई पुक है 60 ताई असलेटा है
हितरी उम्र ताई मगा है, हितर उम्र आई अशीर अशीर गाड़ी। बस बाबो माला गणी फेरे बड़े कबीर साहब कियो बाबा। बाला तो कर में फिरे जीब फिरे मुख माई, मंदड़ो तो दशो दिशा में फिरे बाबा, माला में लेना देना है कि नाई। ते मुझ से तो कर लीजियो 105 साल रे माता जी तिमनियो पेरा वे कितो कोपे कोपे गए हैं। ए बेले रे बैड मोती नीप से बेटा, जिन्होंने अपना धन पवित्र किया, अनंत कोटि कृपा, ये धन उन्होंने एक गुणा लगाया, भगवान के द्वारे चार गुणा हो गया है। और पूछनो चौथा उदाहरण दे दू, नरसिंह जी रा 14 करोड़ रहा गरीबा में बंटियो रहा, पर नगर अंजार नानी बाई रे मायरे की पत्रिका आई, नरसिंह जी कन धन को नहीं, लेकिन नरसिंह जी कने एड़ो धन हो किसो, खर्चा नी खूटे चोर को नी लूटे लूटे खर्चा नी खूटे। सभी बोलो, थारे बोलन में शंको वे के बोलियो जीभ घसी जाए, थना हाथ जोड़ निवेदन करू नाप लेर बैठ जी जोर उठो जन नाप ले लीजिए। जे थोड़ घणो फरक आ जियो तो ओळबो मारे गले गाल दे। मारा नंबर बिल्कुल खुला है 75-68-333-118 बिल्कुल आजाद नंबर है। एर थारे दूजी बात थे होचे वो बोलियो रुपया खर्ची जाए, थारी जेबरी रकम है गोपाल जी थाऊ छानी कोनी, गिण बैठ जी जोर उठो जन गिण लीजियो। पर मैं तो इतना दूर दूर कहूं, जब बोलता कोई निडर हुए के हल्ला बोले जन अटेक अजी जे आई जवत मुगद मुह लड़ू। अरे सांवरिया सेठ या सत्संगे सजनो, सोचो एक मिनट के लिए। तो नरसिंह जी एक ही रकम राखी, किसी जकी खर्चने हूं कम नहीं वे, और भी ने चोर भी नहीं लूटे। अब आर जे मेरी प्यार अटो निकला, कोई चोर मिल जाए तो अपन लूट भी सके, बट थेड़ घड़ी दो घड़ी भजन कर लिया नी तो बे भी चोर के बस को होदो है को ये नी है। तो खर्चा नहीं खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, सकीरी मैंने राम रतन धन। मीरा के शब्द थे, पर वो मीरा भारत में राजस्थान नागौर जिला मेड़ता के पास कुड़की ननिया, पिता रतन सिंह, दादू दूधो जी, परदादू जोदो जी जका जोधपुर शेर बसायो, मां का बेटा भिखा जी बीकानेर शेर बसायो, देश नौकरी करनी माता रो चमत्कार हुयो, फिर मीरा रविदास जी रो शब्द लियो, विष का प्याला पीगी और राम नाम की डोर बेट मीरा पार उतर गई। अब काम आपा कर रही है, थाली रमाई ने बेड़ी रेक्योड़ी है, कनी माचिस रेक्योड़ी है, छेती बिल्कुल नहीं है, अर्शपर्श है भी, माचिस की तुड़ी की हिम्मत नहीं के सुबह ताई बीड़ी तुड़ी बता दे है? अब लगाई कौन आपा लगाई वीरे, लगाई आपा लगाई दूजे लगाई है, मेरे तो कोई दोष ही नहीं है, काम अपन करते हैं दोष परमात्मा को देते हैं, ये बात नहीं चलेगी यार, इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। लो ने बचा रागड़ो तो टेम काट उतारनो पड़ी, अरे काट नहीं टेम उतार बोले टाटा ऊपर कंपनी लिए जियो, वो खाट है जो को दिनों दिन फिर वजन कम कर दे, एक दिन भी खत्म कर दे। पर उन्हीं प्रकार आत्मा है, गंदगी लाग गी ना तो आपकी इज्जत कहीं भी नहीं होने वाली है, और यहां से चले भी गए तो ठाकुर अपने द्वार में नहीं घुसने देंगे कि भाई तेने मेरा नाम तो लिया ही नहीं, तेने तो गंदगी को लेके आया है, या गंदगी तक कोई भंडार ही नहीं है तू। वो है नरक, नरक और स्वर्ग आगे है, थी मानो मैं मानो, बड़े एक उत्तर था यार। वो जिन टेम परीक्षा दी बिन टेम मेरा नंबर बढ़ेगा, जेड़ो लिखियो है बेड़ो मार साहब चेक करी, अजमेर की बजाय जयपुर जाओ ना, अब आगे सरग है अजमेर सरग है, विचार कर लो और यात्रा कटो ये नागौर हरू। अब सरग और नरक की करे, एक बाबो 80 साल रहा हूं और भगवान के घर की यात्रा करे, और बाबे का कर्म अच्छा करुड़ा वे तो मुंडे मुंडे एक ही शब्द है बाबो का, या राम जी रो रूप हो बाबे बिले तो घंटे रोटी नहीं डले, खाली घर में घाटो नहीं हो गवाड़ी में घाटो हो, बाबो हाजर है तो परमात्मा की कृपा, तो समझ लो बाबो हरग में गया है। एक बाबो बरस तो 105 साल लिया है, अरे अटो गया है, अरे लोग छाने चुरके ताड़िया पीटे के अब कोई भैया की सवरिया मंडे तो मंडे जीव, तो बाबू कोई घर भटन दिया को ये नहीं, तो बाबू गया नरक में। अटेरा जका जेड़ा कर्म है नी भाई, हरग और नरग रो निर्णय करनाला है, बच्चो जेड़ो लिखी नी बेड़ो बिन मास्टर जी बड़े नंबर दे, बच्चे का अच्छा लिखियो यार मार साहब जी थोड़ी घनी काट पीस कर ली ना तो भी बच्चे ने पूरा कॉन्फिडेंस, मैं मेरी कॉपी रिचेकिंग करवाऊंगा।
अब की लिक्विड ही कौन है डबल जीरो आईआर के रीचेकिंग कराऊं एक रहा एक जीरो और ले रहा याते नहीं जद के बोले मेरा सतगुरु अमृत बाणी दूधारो दूध अटे हुए पानी को पानी एड़ा शब्द लागे जरा काई वे रात नहीं निंद्रा चैन नहीं मन में और लागी ये चोट शब्द वाली तन में सजना ए भूमिया ए सूरवीर अनंत कोटि महापुरुषों की कृपा आपने तो सत्संग सुनने बिताया आपा तो पैसा पवित्र कर लिया ये तो आप शरीर पवित्र कर लियो याद करो शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव समय से पहले अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर झुला दिया लेकिन चूमते चूमते फांसी के फंदे को प्राप्त कर लिया कि इस फंदे के कारण ही अपना भारत आजाद हो जाए तो हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन वीरों को वंदन और प्रणाम करते हैं। उनके घर में बूढ़े माँ बाप नहीं थे, उनके घर में बच्चे नहीं थे, उनके घर में पत्नी इंतजार नहीं कर रही थी। वंदन प्रणाम जय हो। जड़ के सतगुरु वेद खलक सब रोगी हीरो कुणी पर के थारो रे राम गटे मही बायर कानी बट के बोलो कृष्ण बलदेव की अमर हो जाओ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सीताराम जी दीनदयाल जी जांगीड़ परिवार दरीबा बिदास सर वंदन और प्रणाम करता हूँ। बहुत बड़ा पुण्यार्थ करते हैं और इस दरा को भी वंदन करता हूँ। डाणी स्वामियान इनको भी वंदन और प्रणाम करता हूँ। दरबार को वंदन करता हूँ। आप जिज्ञासु जीव बैठे हो आपको वंदन और प्रणाम करता हूँ। सजनों समय हर मिल जाएगा लेकिन परमात्मा के भजन में पुण्यार्थ करने का माँ बाप की सेवा करने का गरीब का घर बंधाने का भूखे का भोजन करने को प्यासे का पानी पिलाने का कोई समय मिल गया तो समझ ले जो भाग जाग चुकियो है, है? पर जगदी ना पर हाथों तो कोई गलती होगी तो समझ दे जो परमात्मा दोष मत में जियो कहते जो आप कर्म आडा फिर चुकिया है, है? परमात्मा सबके वास्ते बरोबर अधिकार दियो है। सब घट में सतो गुण है तमो गुण है रजो गुणी है। अब तमो गुण ने खोलियो रजो गुण ने सतो गुण हम बड़ी कौन भी परमात्मा को कोई दोष है, है? कि दोष नहीं है। तुम्हारे तो लिखे बड़ो सुंदर शब्द सतगुरु जी रामानो सार शब्द सतगुरु जी रामानो ए सत में जाय समाता जग में गुरु समान नहीं दाता अमर हो जाओ।
ये वस्तु अमोलक दी मेरे दाता बलि बताई मुने बाता राम दी बलि बताई मुने बाता चार शब्द सतगुरु जी रा मानो प्रेम शब्द सतगुरु जी रा मानो ये सत में जाय समाता जग में गुरु समान नहीं दाता जग में गुरु समान नहीं दाता अमर हो जाओ समाता जग में गुरु समान नहीं दाता जग में
जय बोलो सचिदानंद। बनवास राम जी ने हुई है, सीता तो पत्नी वीर कारणु हाथे आई है, पर मैं भाई और भाभी री सेवा करने आयो हूं। मारे तो भाभी जी बेड़ा और भाई जी बेड़ा। अब महाराज मन गेले गालो, भाई ने बता बड़ा बताऊं तो भाभी नाराज हो जावे, भाभी जी ने बड़ा बताऊं तो भाई नाराज हो जावे। महाराज अब दूध रो पानी रो पानी करो। परमात्मा तो कृपा करने वाला अंदर बैठा है सजना, कोई लेने वाला चाहिए। पर एकदम परमात्मा ने अंत्यकरण में याद करता ही परमात्मा लक्ष्मण जी की बुद्धि में शक्ति प्रदान कर दी और लक्ष्मण जी उठ राजी हुआ अंशिया। हंसता हंसता राम जी सीता जी का नहीं आवे। अब सीता जी राम जी दोनों ही मन का लाडू खावे, पंच घड़ी 10 पाउंड डाल क्यों आवे है? पर लक्ष्मण जी आता ही भाई और भाभी ने पगा ला गया, पर दोनों ही आशीर्वाद दियो, खुश रहो, मौज करो, जुगो जुग जियो। सजनों ही में बहुत शक्ति, मैं मरमरी बात बताऊं। एक पोतो सुबह छाणी दादे ने प्रणाम करे, दादा पगा लागू। अरे दादो कह दे खुश रहो, मौज करो, जुगो जुग जियो। समय अमृत रो चौगड़ियो वे तो घाटो लार दी घड़ी पकड़ दे, पर पोतो झुके जड़ो वे। अब पोतो तो नमस्कार की जगह कड़िया पुकड़ू डूबो है। दादो कई कई खुश रहो, आई कई बड़े रे कल डोण कल्डी है। तो सजना नरम बनो पड़ी, नैनो बनो पड़ी। और लक्ष्मण जी नैना बनिया की कर, भाई भाभी ने निमण करियो और दोनों हाथी आशीर्वाद दियो, खुश रहो, मौज करो, जुगो जुग जियो। ओ धन कमाउड़ो कौन कमाई जाए कई अनंत कोटि कृपा ओ भाव मिले है। और भाव ना पर समझे यहां, भाव तो भाव ही वह है। जिदे रे भाव ही आया और आयो कई। मैं जोधपुर तक गियो जागण देव ने कियो, गुरु जी जीरो खरीद लेता नहीं, इस बार मैंने न्या लू जाता 8000 भाव आया है। जीरो थोड़ो मोड़ो बढ़ियो, टमाटर चढ़ गया है। गरमर में माया बया क्यों ढो गया, मैं टमाटर नहीं लाना की, तो वही श्रीपति कई किले वो भाव ही जो बचो और खाइयो। पर लक्ष्मण जी एकदम विचार कर पगा ला गया, दोनों आशीर्वाद दियो। राम जी क्यों लक्ष्मण जी पंचायती, लक्ष्मण जी क्यों महाराज बात डावे आतरी खेल है, बस पंचायती की हईज खोली। जकेर प्रभु की कृपा हो जावे नी, बड़े बड़ो आश काम हाल हो जावे। क्यों आसान क्यों, हाँ तो 10 मिनट थे जार बेटा आसान की कर होगी, क्यों आई तो मौज है। उड़ा ले मनुष्य जन्म की मौज, वो दिन मिले नहीं रोज, फस देख लो लारे खोज की गेले दादू मार बेता। महाराज बहुत बड़ी कृपा है, बताओ मारो भाग मोटो सीता जी रो मोटो। लक्ष्मण जी क्यों प्रभु, नहीं तो राम जी रो भाग मोटो और नहीं सीता जी रो भाग मोटो। भाग तो लक्ष्मण जी को मोटो, राम जेड़ा भाई मिलिया, सीता जेड़ी भाभी मिली है। जे भाई घणे तगड़ा हो जाता भाभी खोड़ जाए जी, 2 दिन हम झोपड़ो दारू बंदा देती। भाई भाभी दोनों ने घर में एक हीर का मिल जावे, वो भाई बहुत बड़ो भाग्यवान है। सजना 5 चीजें पताई में पहली घट में, 5 चीजें परिवार में होनी बहुत जरूरी है। जके घर में भाई भाई एक दांत रोटी टूटे भी घर में वैकुंठ है। जके घर में बाप बेटे एक दांत रोटी टूटे भी घर में वैकुंठ है। जके घर में परिवार का सदस्य होली दिवाली बेड़ा बेटर भोजन करे एक थाल में भी घर में वैकुंठ है। और जके घर में हासु बवार एक दांत रोटी टूटे भी घर में वैकुंठ है। भाई भाई रे बड़े नहीं, बाप बेटो एक नजर मिलावे नहीं, हासु बवार में एक बार बौनी बेटा भोजन का करे नहीं। भले काशी जाओ और मथुरा जाओ, पैसो घर जुजालो कृपा कटी नेड़िया की गोपड़ी स्पष्ट कहूं। ए थाने पहली धारण करनी पड़ी, जड़ो मामलो है जगह सो की तरह परमात्मा की कृपा है। अरे आटो भूंदी जो पहली पानी कूड़ देव नी, मैं हीरा काचा ही रही है। ये वास्ते सजना भगवान की भक्ति करने वास्ते पहली बर्तन तैयार करना पड़े, और बर्तन है अंत्यकरण का भाव। अंत्यकरण का भाव बढ़िया वे जरा चौकी चीज माइन जानता ही चौकी लेवे। उदाहरण देख लो, घी गणो तगड़ो है पर बन्नी माइन गंदी है, रेत रेगी खूने में तो भी घी में जानता ही बार रेत मिल चुकी है। बारे सांवरिया सेठ ओ ज्ञान कौन करावे, गुरु और महापुरुष लिखियो। गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दिया बताए। स्वयं परमात्मा कह रहा है मेरे तक पहुंचाने वाला यह गुरु है, और गुरु ना हुए अंधेरे रो, रू ना हुए प्रकाश को। अब चीज अगली अटी है, हाथ भाई एक ईर का,
खेत में धंधो ही घणो ही करता, दो गायां ब्यावड़ी, दूध ही टेम मतू तो घी घर में हो, सभी व्यवस्था घर में ही, लेकिन माने गुरु कौन मिलो हो, पंडित एक ही कौन, दिन रात तो कूद कूद धंधा करे, दिन बदेर अंधेर वेर दो भाई ड्यूटी बांधोड़ी जग झोपड़े मुंह छाला बरबर अंधेर बार काटे। अब दिन हो गए चांदनो तो घनी सूरज भगवान करे बन पे हेंटा रहे कुकड़ी बांधे मोटे रहे हेंटा रही यार घंटा तो घनी हाथ लगा बन अंधेर बार काट छोटी। अब जोग संयोग एड़ो यो बड़ा बड़ा भाई पंडित का और भाई भला करा को टबर हो पा बड़े भाई की बहू घर में आई एर दो देवर झोपड़े में महीने बड़े बारे निकले एर आपरे पति ने पूछियो है कहीं करे क्यों अंधेर डोबे क्यों कितनी टाइम होगी क्यों हम जब अंधेर हुई डोबे तो ऐ डोबे क्यों ऐ नहीं कौन डोता हूँ ही डोया करो जो ब्याह उड़ो हवा में अंधेर झूठ दी है मैं अगला अंधेर हुई डोबा बारे निकल दिया भाई क्यों कड़ी तो लगे हाथ घंटा घड़ी हाड़ी आठ आठ घंटा लगे यड़े में रात बोटी हुए क्यों पति देव थे मारो मानो जरा तो इतनी बात क्यों ओ अंधेर तू एक मिनट में बारे काट दू क्यों बलि आदमन 20 साल तो मंदिरों के जोते नुया है यार तू एक मिनट में बारे काट दे क्यों महाराज मानो तो ना बात है वो मोटो भाई आप रा छे हूं भैया ने एक जगह बीटा अंडर की और थर भाभी जी के वो अंधेर तो एक मिनट में बारे काट दे छे भाई है क्या थी हंसिया क्यों भाई साहब भाभी जी आया नहीं हवा में नुयो है थे 20-20 डालू ढो और माने ढोड़ो ही कहो है अब थे ही मानो के एक मिनट में बारे कीकर निकली क्यों बैठा क्या मैं आज आज आप अटकड़ी लिया देवर छे आज का चार भाभी सा ने क्यों भाभी सा थे अंधेरो एक मिनट में बारे काट दे क्यों मिनट तो घड़ो में तो पकड़ बैठ गया क्यों भाई साहब टेम मत पंडित गया नहीं तो अंधेरो ढोता ढोता जाता रहता हूं अबे हरी राम जी सुविधा अट दी है कहने को मतलब भी मैं परमात्मा का ही दोष दियो मना बताओ एक चीज रो जवाब दे आप दर्पण में वेला जाई तो दर्शन वेला नहीं कीकर दर्पण केवे कांच ने कांच मत रेंजी लगी आप मुंडन धोवा बार बार जजार घर की अगली ट्वेंटी अटकड़ लीजिए जर तई कासरी रिंजी नहीं हटाओ जर तई मुंडो श्याप कौन दिखे अब आगलो खोटो क्यों दिखे के खोट अटे अपर मन में खोट हुई जना आगलो खोटो दी कि फलानो खराब कर दो ये वेड़ा लागे थार मामलो बड़बड़ है सजनो ये सत्संग महापुरुषों की है जड़ के गुरु प्रकाश करावे गुनाम अंधकार है रो नाम प्रकाश है काल करे सो आज कर ले काल देखियो कोई सा कोई दिन उगता ही नानू जी काल पास काल पेंडिंग रो पेंडिंग रियो सोने में सुगंध करूं काम करूं कर ले दुआड़ो खत्म करूं काम करूं कर ले आज भी कई कलार घोरा अगला ने एक हीर का कर दे काम करूं हरू कर ले विचार लायो के शीतर वरण करूं कर ले बोनी ना आज करूं भी काम ने करियो जो नतीजो अगला रहा मिले ज्योतिष सर मैंने महान ज्योतिष राजा रे मैंने श्रेष्ठ राजा पर लंका जड़ी नगरी सोने की नगरी कितो बड़ो परमा जी रा पड़पोता पुलिस भाई दानव जैसा सुसरा ताड़ के सटी नानी सुंदर जैसा नाना मारी जैसा मामा यार सुरबन का जैसी बे लेकिन अनीति से जात है ते तो क्या घणी बड़ो भैया जी भेरू जी कदे रावण की बड़ाई की हाल तो मोड़ी बट्टा खोल करी सब कुछ होते हुए ही सत्ता प्राप्त क्यों नहीं कर सके कि उन्होंने नीति का रास्ता छोड़ दिया और अनीति का रास्ता पकड़ा और आज भी जो अनीति का रास्ता करते दुराचार करते अखबार नहीं पढ़ते हो क्या आप नहीं पढ़ते हो ऐसी ऐसी घटनाएं हो रहे हैं उनको आप क्या संज्ञा दोगे विचार कर लो एक मिनट के लिए ये दुर्मति है जब वो गंदगी का करते हैं उनको कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करते हैं मन भी कुब दी मिल जावे नहीं मन में विचार कर ले भाव भले ही पोयो नीचा नहीं जाए ऊपर नहीं हो काटे हो ये नहीं गई थी नहीं क्या अड़गणी आपा का नावे पूछ सके कोई लारले जन्म रो ले पूछ सके बड़बा ओल कान भगवान बटी खत्म कर दे जन आपा दुर्कार निकालता पूछ सके कोई पड़दा दू या कट कटू बड़ अटकी यादगारी नी रीत ना पा दुर्कार दा भोगणी मन में हो जाए बड़ के उनकी क्षमता को नी एक मनुष्य येड़ो है जो सोचने और समझने की शक्ति प्राप्त करे केर बात ने बता सके है 1.5 लाख री घरे भेस बांधुड़ी उभी कोई नूं तो दियो कहीं भौमिया जी नाउरो गौ माता रे नाउरो जागण रिपेयर 1.5 लाख लग गया एक हीर का खास कुंडी दूध री पारी भरे गड़ी जीव होरो घरे बीटिया बड़ अट भक्ति रो आनंद नहीं ले सके ओ मनुष्य जीव है
अरे चावे जगह भजन कर सके, चावे जगह खुणे में बैठ सके, चावे दिन निकल सके, चावे दिन आ सके, आधी रात रही उठ रहा आनंद ले सके। बक्सो जी खाती हुई आप लिखियो, अरे दाई पड़े तो मान लो रे, सतगुरु समझावे रे, भाई मारा रतन पदारत मान को मिलियो, एड़ो कई खोवे रे, बीरा मारा हीरा पड़िया चोवटे रे, मुर्ख आंदो डोले रे, अट भाई आया हीरा रा पार कूरे, जमरी बन खोले रे, भाई मारा मर जीवे तो मान जो रे, सतगुरु समझावे रे। बल कृष्ण बलदेव की, जन के काल करे सो आज कर ले, फेर नहीं आवे आता, लग छोरिया से में जाई पड़े ला भोगे ला दिन रात है, तो हुई चिमकी मारो नी तो वस्तु आ जाई, आ बाल्टी री कंद लोटो रियो उन दी चिमकिया कितनी मराओ लोटे ने है, जे पानी आ जो मन कह दीजियो, फिर हुई चिमकिया एक दो बार भरत वो बाप भोडीडो आए है, अब काम आपारो सा दूजो कोई रमाई ने हाथ निभाउनलो है नी, ए तो काम खुदरा खुदनी ज करना पड़े, भजन वे तो उठा सके हारी बीमारी में पूछ ना हार सके है, बनबो दुख तो खुदरो खुदनी ज भोगनो पड़े। आ घड़ी है इरमाई ने तीन सुवा तीन है, एक पतलो शोक थकुड़ो है और एक भी वो थोड़ो मजबूत है और एक रोडो गणिए बनबो बहुत कड़पान सुवो है, वो थक लियो कई बार सगर काटे दिन वो रोई डू कहे तू भले कितनी फेरिया दे टाइम तो हुई बताओ है, है? भले तू सगर काटी फोकर भले वो क्यों रहे तो काट काट वीडियो गेल लो क्यों मैं आओ नहीं इधर लोग कहते ही बारे बच गई है, तो सजनो पुर्तिम काम कौन है इर वास्ते नेसो रागणो इज पड़ी धीरे धीरे रे मन्ना धीरे सब कुछ होई माड़ी सिंचे सो गड़ा फल ऋतु आया है, सब कुछ व्यवस्था दी परमात्मा ने है, अब जैकेट है बटन लगा उड़ा है, अब नहीं लगो थारी सा, एक खोलो थारी सा, दो खोलो थारी सा, हगड़ाई खोलो थारी सा, खोल रही पूरी घुंडी में टांगो तो बात थोड़ी दे खुद है, विचार करो ये जीवन में अपनाना पड़ेगा। जड़ कह वस्तु अमोलक दी मेरे दाता, देखियो कई अड़ी वस्तु मैं तो कहूं भले हर कंट्री में जाता रहो मैंने पुकड़ लार देना पांच साल में दस साल में कौन लार सको, कहीं बना देख बिला रिमोट है बारे सावरिया किरपत भाई कल्डी करियर फसी के मन तक ही कौन दाब के छाती कुटे तो मारे तो एडी लागे हा पड़ी जतु तेरी पकड़ी इसकी केरा में खरबूजा ढूंढे आगड़ा में आम माया मलूज गयो गिगर मिले राम रिपे मुख को है नी रिपे मुख जदी है रिपे कोई धर्मा दे लागे रिपे कोई बहन बेटी के लागे जन रिपे में सुख मिले सुख वेद याद करो 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का उद्बोधन आज रात को 12 बजे से 1500 के नोट चलन से बाहर अब जगह के जरूरत ज्यादा 1500 की गड्डिया भी जी नींद गई भूखी मारी कोई माता बहने छाने सुर के 5-10 गड्डिया राखी नहीं तड़के 4 बजे पहले डिक्लेयर कर दी कि मारी है चेंज करानी है क्यों जदगा ने आई कौन क्यों रात कदर घटकी आ रही आए? तो सजना ईमान केरी कदर जड़ता ही है तब तक आप कुछ परमार्थ करते हो लोग पूछ भाई फलाणो आदमी कहीं मिलियो मन दो बात बताई मारो घर बसा दियो वो तो आदमी कहीं है वो तो देवता है जना एक आदमी अरे देवता कहीं है वो तो भगवान है लो वही तो मान कोई से है? अबे कैमरे में मैंने फोटो ले लिया हूं आग मींच ली कैमरे की कहीं गलती है मींची जनो तो मींचुड़ी बताइए विचार करो अब परमात्मा भाई कैमरे रूपी है चित्र गुप्त चित्र को मतलब फोटो लिखे गुप्त जड़ा करो बेड़ा बरो जको खोदी खड्डो रो आई आड्डो जन के वस्तु अमोलक दी मेरे दाता भली बताई बातार काम क्रोध ने कैद कर दो और मार दो लोभ रे लगता कुड़ केवे संत केवे वचन पुकार पुकारे लपाड़ पाड़ केवे अरे तारा सतगुरु दे रहा हेला थारो जन्म सफल जद वेला अरे फिरा निंदा बुराई बने भर जो राजा राम जी दे रहा हेला थारो जन्म सफल जद वेला और राम जी रो नाम तो जागर साहब मिश्री है अब मिश्री मैं थान दे दू मिश्री मिट्टी है कही के मार रहा मिश्री खारी लागे कमी मिश्री में कौन खारी लागे जगह माइन पिक पटुड़ो है
अब पित बड़ूड़े जगवाई गई, राम जी बड़े बेरे में, तो समझ लो पित है। पहले पित ने निकालो तो मीठी चीज मीठी लगन डूब जाई। पित कहीं है काम क्रोध मदर लोभ और मोह एकदम कौन झूठेला, क्योंकि चिंचड़ी जीव जो गान में नहीं जन भाई निरी आप प्रयास कर छोटे भी सीख गया तो माया तो चिंचड़ी जीव जो जी बुढ़ी लोग तो कोई थे बहुत बड़ा धन्यवाद हो पात्र हो धन्यवाद का जन जंगल में मंगल करियो है। कमीज वे सजना हजारों जगह जाते हैं, कहने वाले खूब मिलते हैं, करने वाले बहुत कम मिलते हैं। अरे कतनी थोती है करनी उत्तम है, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। उन सोचियो बटेरा कहवे में छोटा कार पेट भरिया काली पीली कही देखी सबने काला है आजकल मैं ही बन के हूं थे सब कुछ देखियो थे कोरोन दही कौन देखियो हाल थे जका वही जहाज नीचो टिकट खोल लेता जका टर्बे में लुक रहा समय पड़ता कोई टाइम कौन लगे समय का पहिया चलता है इस पहिये के साथ मनुष्य का भाग बदलता है। विचार करो संसार में कुछ करो वचन फुकार फुकार केवे करो संतन का साता और सेवा बंदगी करो संतारी जगह ने काल निभावे माता है? केवे कबीर किन केवे धर्मीदास जी ने बड़ा हेटा विद्वान कबीर साहब रो शब्द लागता ही विद्वान होगा पर बड़ा अच्छा शेटा पूंजीपति शेटा शब्द कौन लगियो डो और शब्द लगियो जन आग में धर धर आंसू आया और धर्मीदास जी कबीर सन कियो महाराज गुण तहजिया वे गुणे बहुत किया तुमसे नहीं छाना मेरा छुपाया रामा क्या छुपे तुम हो गट गट के जाना आप कबीर सा किरी पाले हो दसू दरवाजा मारा गंद है सोई गंदा में गंदा उत्तम राम जीरो नाम है बिशरे नरे अंदा आप सयब किरे तारे हो। जय बोलो सतगुरु जी महाराज की जय हो। इन एक ही को चलाओ न थे पिच बंद तो कौन कर रहा हाँ। जय हो बंद करने वाले बोलो राम नहीं हरी बड़ी लिखनी है और पहली है लिखकर भेज दे कि आज मैं अटे लाइव कर बहुत बहुत बलियानी है परमात्मा की कृपा है सजनता है घर बैठो मानो सुन सके आजरी सत्संग निकाले भी सुन सके परसों भी सुन सके गैडिक सत्संग हुई एमिनक बिराजिया और परमार्थी कार्य हुई अनंत कोटि कृपा हुई जन धर्मीदास जी ने कबीर सा वेलो पाड़ के रिया के वे कबीर सुनो धर्मीदास सा मानो वचन हम कहता मैं क्यों जगे ने मान अब माने जन वे चौधरी बाबू घरे आके बेटा चिलम भरी पांच पंच आएगा घर वाले घर में रोटियां बनावे पांच पंच आया रामा रामा के दिया अब पांचो पंच के वे चौधरी बाबा ने के चौधरी बाबा पांच बीसी की सौ गए चौधरी बाबू आड़ू कर दिए गुण के पांच बीसी की सौ गए तीन बीसी की सौ गए घराली रोटियां मन में विचार करियो बोला गणाई देगी अपने आपड़े धनी जी तो भोड़ो कौन देगी ए पांच पंच के वे पांच बीसी की सौ वेर आपड़ा आड़ू कर बेटिया तीन बीसी की सौ है वे घर में चिलम बनना या घराली क्यों बैठ रहे पापा पांच पंच के वे पांच बीसी की सौ वेर थे आड़ू कर बैठा वो तीन बीसी की सौ है इतनी थन था नहीं पांच बीसी की सौ है चौधरी बाबू क्यों गेली ठा तो मनी है पांच बीसी की सौ है बड़ो मानु जन हुई ना मैं तो घड़ी कहे हूं मानू कौन ना अब अट्टी बीमारी आई जो फसे संत गणी ठीक कहवे पर मान्य बिला काम हुए को यानी और तीन चीज सही है कान नु हुन्नो मन कने पहुंचाणो और तीजी चीज है जकिन के निधि की आशा ज्ञान मारवाड़ी में क्या करे हड्डो हड बैठनी और शशन कोई रे हड्डो हड बैठ की नहीं तो पस लारन दी जागण को काम पड़े को यानी चार संत द्वारकापुरी की यात्रा पर निकलिया है पहली राजा शाही रिपे होता प्रसंग पर ध्यान दीजिए तरवर सरवर संत जन अरे चौथा बरसे में परमार्थ के कारण आचारो धारी दे अमर हो जाओ बोलो राम और जोर से बोलो राम देखो
देवता चाहे रामदेव जी मनावा, चाहे हनुमान जी मनावा, चाहे बोमिया साहब मनावा। राम क्यों बोलावा? शरीर में जीव निकलिया पसे हूं ही देखो और थई देखो वेग नहीं वे भी माटी ने लेके लगाने जमा दर खाई के वहां राम नाम सत्य है। हाल तई में कटी नहीं होनी कि रामदेव भाई नमे, गणेश भाई नमे, गजानंद जी नमे, पर राम नाम सत्य है, सत बोलिया गत है। जीवन को उदार करने वालों शब्द राम को ही जाए। बोलो राम, राम। आज सांपा बोलना एक दिन लोग बोलते हैं सुधी बात है तो लड़ रहे हो ही कन्या सजना। इस शब्द को कर्मा ने रटा, भगवान को खींच खाने के लिए आना पड़ा। पर बा कर्मा भारत में राजस्थान नागौर जिला मकराना कने कालवा गांव जीवनराम जी डूडी की लड़की 20 अगस्त 1615 को जन्म। खोजी जी महाराज संता को शब्द थाली भर ने लाई, खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीम लो नंदलाला जिमावे बेटी जाट की। गौ के खातर बीगो जी महाराज शरीर अर्पित कर दियो, आप रे तो बिल्कुल पास है। ये भारत में राजस्थान डोंगरगढ़ तहसील रेडी के अंदर पिता मेन जी माता सुल्तानी विक्रम संवत 1300 में मिश नाम ब्राह्मणी की गायों के खातर लड़ते लड़ते इस शरीर से शीश अलग हो गया। ये धरती ने पितल माता की उपाधि दी, गौ से मां प्रभु की कृपा और इस माता की कृपा के कारण गौ माता की रक्षा की वीर गति को प्राप्त हुए। आज शीश की पूजा गाँव रेडी में हुए और दड़ की पूजा बीघारे महीने हुए। पर बे बीगो जी गौ माता की बार चढ़िया, हाथ गुमानो जी तावणिया ब्राह्मण एम जी बगड़वा राधो बादो कामदेर सावंदो जी पहलवान संसार में नाव अमर कर लियो, भेड़ियारा बैड़ा मोती नीप जाए। वारे गिरधर गोपाल अनंत कोटि कृपा। बाबू जी राठौड़ ते सुनिया देवता आपर राजस्थान में पांच पीर है, पांच पीर किसा हर बो बाबू राम दे मंगलिया मेहा, पांचों पीर पदार जो गो गो जी नेहा। बाबा रामदेव जी महाराज राजस्थान में बाड़मेर शिव तहसील उंडू कश्मीर में अजमाल जी द्वारका नाथ रे आगे पुकार करी, हाथ जोड़ने अर्ज करूं आयो हूं थारे बारणे, आ दुनिया सारी मोसा बोले एक टाबर रे कार। अजमल बोले सुनो सांवरा मतरे इतरो बण मुंजी, एक टाबरियो माने देवता कहीं घटे थारे पूंजी। अरे लाड कराला कोट कराला जद खेले लो मारे आंगणे, आ दुनिया सारी मोसा बोले एक टाबर रे कारण। बाजरी रो होगरे रो कराला रो बणोड लाडू हो खासा कड़क पड़ गियो हो। द्वारका नाथ अरदास सुनी कोनी, अलगो प्रसाद रूपी चाडी के मूर्ति कनकर बो लाडू निकलियो। मूर्ति की खंडित हुई, पंडित जी मन में विचार करियो जे एडा सेवक दो चार एक और आई गया दुपिया करनी जरूरत पड़े। पर पंडित जी क्यों न लागा, पंडो बोले सुनो ठाकरा मूर्ति से कई लड़ो, सांवरिये मिलनो है तो समदरिया में कूद पड़ो, इन समंदर में पीपा जी ने दर्शन दीना आनने, दुनिया सारी मोसा बोले एक टबर रे कारण। पंडित जी के वास्ते कियो समंदर को, पंडित जी मन में विचार करियो अरे समंदर में भेजदा जो आप पर आपत है जगीर सॉल्यूशन हो जाए। अजमाल जी कियो ठीक पंडित जी, ते सेवा पानी दोपिया बीजी कर लो तेरे समंदर में आला दनो पर दोनों हाथ ही आला। पंडित जी पगा नहीं जो जमीन निकल गई क्यों काम हो यू गलत है पानी। अब सरवर के किनारे पर दो जना खड़ा, एक अजमाल जी और एक पूजा कर, और अजमाल जी मजबूत पकड़ो हाथ। अब दो जना है, अजमाल जी कुदन की ताकत दी, बार सुडन की ताकत दी है, समंदर आ गई है, है? और अजमाल जी विश्वास कर पुजारी जी ने कियो मिली कटे को तो समंदर लंबो बनो है। पुजारी जी क्यों चौकी भवरी बतावा जसिम की मार बारा आ गया तो ही गिरे क्यों बात ठीक भवरी पड़े न उठे। पीपा जी ने मिलिया शादी ने उपास आया क्यों करो हिम्मत। अजमाल जी ने लालसा ही कूद कर पंडित जी सुडाएगा है। इतनी बात सुनी अजमल जी समदरिया में कूद पड़िया, सोनेरा गढ़ मेल माड़िया हीरा पन्ना खूब जड़िया, शेष सया परे सुतो समरो सिर पर पट्टी बांधने,
दुनिया माने मोसा बोले एक टबर रे कारण। अजमाल जी गया विश्वास हो और विश्वास हो सो नी द्वारका में भगवान ठाकुर मिल गया। ठाकुर क्यों के वहां 56 करोड़ यदुवंश का भगवान कृष्ण राजा बढ़िया जन ठाकुर की पद्मी लागी। बड़े राम पर सब पहले ठाकुर जी रो मंदिर बनाता, हांड देवता वास्ते हांडगर बनाता। गाय की पूजा क्यों करा, गाय को बछड़ो हुआ है कितो फूट रो हुआ कितनी भी सड़क मड़क हुआ है। 10 गाया बांध दो, एक गौरु बछड़े ने खोल दो, सीधो अपनी माँ के पास चले जाए। और उदाहरण भेज को ले लो, अरे पार्टी ने खोल दो दसो भी बटीर खा देख लीजिए अटकल नहीं दे दो। अरे चंचलता देखो चारों पग हाथ कूदी, और वो बछड़ो बेल बने शांड बने शिवजी नो नांदियो बने बने कि नहीं बने। ज्यो ज्यो बड़ो वे मेरा हर रूप चेंज हुए, और बेसरे पाडियो वे पाडियो आखिर में पाडो बड़े और लार बिचे की होन बड़े। गौ की सेवा बहुत मारी है गुरु जी बताई ना, हकीकत में सत्य चीज थी वो स्वामी राम सुखदास जी के मुखार बिंद की सत्य अटल सत्य। स्वामी जी तो खुद कहियो, शिष्यों ने पूछा महाराज आप जाने के बाद में आपकी अंतिम क्रिया कहां करें, तो स्वामी राम सुखदास जी ने कहा शिष्यों जा मेरी गवे बैठती है उस जबे मेरे अंतिम क्रिया कर देना। और गंगा का तट था, ऋषिकेश जैसा मां तीर्थ था, और स्वामी जी धाम सीधा ये 3 जुलाई 2005 रात को 3:40 पर राम सुखदास जी महाराज जका भारत राजस्थान नागौर जिला माडपुरे सुतार परिवार में रुगा राम जी के घर ब्रह्म मुहूर्त में किलकारी गूंजी। अनंत कोटि भगवान की कृपा, अपने मामा सदाराम जी के साथ में निकल गए चाडी की तरफ, संतों का शब्द लगा और भक्ति में लग गए। और वहां से गंगा बहुत दूर थी जहां पर अंतिम क्रिया की थी। सुबह शिष्यों ने सोचा कि स्वामी जी की अस्थियों को गंगा में विसर्जन करें, आगे जाके देखते हैं तो गंगा तो वहां तक पहुंच चुकी है और उन अस्थियों को अपने में समाहित कर चुकी है। ऐसे संतों को वंदन और प्रणाम करते हैं सजनों, बहुत गहरी चीजें हैं। अजमाल जी कूद गा आगे जा, आ घोड़ी नींद आवे और बा घोड़ी नींद आवे जना हजारों काम छोड़ रहा था हमारी गाया की बाहर चढ़नो पड़े। बाबू जी क्यों वचन है सजनों, ऐ शब्द लागे नहीं रोंगता उबा जावे। रोंगता उबा दो प्रकार हुई वे, एक तो शब्द लागे जना, एक लड़ने जवेर हामी ठोकना निरो को मिल जावे नहीं खड़ा खड़ा मिल जावे नारे एक ही कर रहे बारे सावरिया शेठ गिरधर गोपाल तेरी माया कोई पहुंचे नालो नहीं है, अनंत कोटि कृपा है। पर बाबू जी सावरिया में बेटा आप प्रसंग पर ध्यान देना, तीन फेरा भैया 7 फेरा को सनातन धर्म में नियम है, कोर्ट ने भी कह दिया अभी वर्तमान में वरे सावरिया से 3 फेरा भैया बा घोड़ी नहीं नाई। पर बाबू जी ब्राह्मण देवता ने कियो गुरु जी अतले बड़ो करो, देवल भाई वो वचन कर लुटो है, देवल भाई की गाय पर संकट आयो जना घोड़ी नहीं नाई है और मन गाय की बार चढ़नो पड़ी। महाराज क्यों रुको 4 फेरा बाकी रिया 3 तो होगा। बाबू जी क्यों जे आधो बाकी रहे ना तो स्वीकार को नहीं। महाराज 65 साल रहा 45 साल सवरिया मानता नहीं किया, मन में विचार गिरी एडी सवरिया कौन मंडी है गिरधर गोपाल महाराज। बाबू जी क्यों महाराज आपने कह दियो अतले बड़ो करो तो ठीक है, नहीं तो मैं खुदो खुद करूं। महाराज अतले बड़ो करियो। बाबू जी सवरिया छोड़ निकलिया जाऊ ता पति ने पत्नी का ही कियो प्रसंग पर ध्यान देना, रोंग तखड़ा हो जाए। हे पति देव फेरा पीछे छोड़िया मन कोई गम नहीं है, बट फेरा ना हिसाब गाय सेवा अधूरी छोड़ दी तो कहती भी ने गुपाश हो जावे, बट जो शरीर जावे ना तो मारी चिंता मत कर जियो, आपके सही दुण का समाचार मिली आपके साथ में सती हो जाऊंगा। जन दुर्गा रे शक्ति की पद्मी लागी, शक्ति तो सामर्थ गणी अजब निरालो वेश, शक्ति के आगे झुकगा ब्रह्मा विष्णु महेश। जन के अरबू पाबू राम दे मांगलिया मेहा, गौ माता रे वास्ते वीर गति को प्राप्त हो गया मांगलिया मेहा। पर पांचवा पीर गोगो जी चुरू में ददरेवा, पिता जेवर जी चौहान माता बाछल, गजनवी बादशाह से झगड़ा झेलने वाले जागिया पियाला बासक देव लारकुल में जागिया कंवर के क्षत्रिय।
सजनों जब ये कीर्ति होती है, है? अब चिलम जोर खांच देखा सी मोर लीन परमात्मा रुकाई दोष कौन दोष ना था हकीकत चीज पूछू अब उधारी हंतिया है तो सजनों में स्पष्ट कहता हूं मैंने कभी नहीं सोचा है कि सत्संग मेरी ज्यादा से ज्यादा नहीं बहुत सारे नूनते फोन में रहते हैं लेकिन लिमिट की सत्संग करता हूं इन सब बंदों को पता है करता वही हूं जहां कोई सत्संगी होते हैं मुझे पांच भी मिल जाए तो मैं आजाद हूं सत्संगी होना चाहिए है? फिर खेल तमाशे कूद कूद के चले जाएंगे लाख डेढ़ लाख रुपया लुटा देंगे क्या बटेगा सोचो एक मिनट के लिए नौ मैं नहीं मानता हूं इस चीज को सत्य का सौदा करो परमात्मा ने खूब दिया है देखे आनंद होता है मुझे पता है यहां जो दिया वो चार दिन से पहले पहले आएगा जेब के अंदर चाहे कहीं भी से आएगा मोर ले एक दुगुनी उड़ो है एक दुगुनी और मतो कर लेता देख लीजिए अटकड़ लीजिए भगवान की भक्ति में आप परमात्मा की विशेष कृपा है मैं धन्यवाद देता हूँ इस सत्संग को आपको हकीकत बताता हूँ शादी को 30 साल हुए और परमात्मा और गऊ की और भौमियाजे की कृपा से अभी मुझे लड़का प्राप्त हुआ ये बताता हूँ मैं आपको स्पष्ट जो 1.5 साल का हुआ है वो मियाँ जी का आशीर्वाद गौ माता की कृपा और आपका आशीर्वाद उसे खूब मिलता रहे मेरे परिवार को मिलता रहे यही मैं आपसे आशा करता हूँ ये परमात्मा की कृपा है तो 4 संत द्वारकापुरी की यात्रा पर निकलिया 360 रुपया कंध लेर निकलिया पहले रुपया में वजन हो तो राजा सही रकम ही बहुत वजनदार रुपया होता और पुराने जमाने रे मैंने सत्यता इतनी ही के भजन हल्लो हो जाए तो और कई गांव रे महीने महीने घूमतो मेरी पेट होती वो रकम रख ले तो और एक पानी माते आग लेर ना हुंडी लिख दे तो के पलाण जगह दिल्ली रे महीने गोपाल जी रेवे थारी उड़ी शिकार दे जाओ विश्वास मनी विश्वास है बार कोई पानो लिख दू दे पर मैं मंठा पूर्ण विश्वास है मैं कह दू कोई एक जैकेट देनी है 5 तैयार रागी मार साहब कहती थे बल्लार का जमा मार साहब महंगी कोई जैकेट थोड़ी है वारे गिरधर गोपाल कन्हैया लाल ये आनंद है सजनों लोग लेते नहीं है, है? आजकल खुशी की नींद लोगन आवे ही को नहीं 50% लोग नींद की गोलियां लेर नींद ले गए जब हम पूंजीपति हल्ला ला दी बढ़िया नींद आवे मेरे सारो चढ़न तसल्ली है बिल्कुल कोई दो ढाई वाले ब्याज रो कोई लपड़ो कौन मिले साई इतना दीजिए जमे कुटुंब समाय में भी भूखा नहीं रहो और संत भी भूखा नहीं जा अरे गिरधर गोपाल कन्हैया लाल लेकिन आप पर नहीं बनी नहीं जित काम कौन बने महाराज कथा करता आगे हासुआ बेटी ऐसी ऐसी सालरी हासुआ आगे बीनिया बेटी 20-20 सालरी महाराज क्यों भाई हर एक जावे जगह हाथ ऊंचा कर दो हासुआ तो लाना हाथ ऊंचा कर दिया अपने बीनिया टसू मुशी कौन महाराज गिर दो हर कोई लोग नाराज है बीनिया ने क्यों भैया थारी सासू हर एक जाऊ ने हाथ ऊंचा कर दिया थे नहीं करिया बीनिया क्यों महाराज कोड़ो कही वो ही कही मारे रोग एडो लगड़ो है ए हाशो हर जाती रही जिन मार तो अटी हर गए आशमिशी यही औड़ी बीच अब जना गिर किकर मीटर सा बात बिल्कुल सत्य है हैं वारे गिरधर गोपाल कन्हैया का द्वारकापुरी की यात्रा पर 4 संत निकले अनंत कोटि भगवान की कृपा और गुजरात में जूनागढ़ गया कहना जने संतान रुपया ऊंचाता ऊंचाता थकेलो आई को संत आपको उस चारों मन में विचार करियो रे अट कोई है ठाकुर मिल जावे और आपा की रकम रख ले और हुंडी लिख दे तो आपा नो वजन कौन उठाड़ो पड़े आगे नजर पड़ी तो नीमरे नीचे गटे माता सेन जी बैठा जार प्रणाम करियो सेन जी क्यों हां अट कोई हुंडिया बनावे है के सेन जी मस्करी करी क्यों जगत रे भगत रे डोडी जुवे सही है क्यों बजोबड़ो देखे नहीं मुंडिया दिन में 10-10 बना अब झोपड़े में कौन रहता नरसिंह जी पर हाथ तक 14 जना सूरदास मुकुंददास मूलदास कामदास प्रेमदास दास सिद्धदास गोपालदास पहली मारी निर्भय रही जाइए पैसा कने कोनी टुंबा पर लेर जमा दोष के दे संत क्यों सेन जी भी झोपड़े मुंडिया की कर लिखी जाए क्यों सा बे मुंडिया दिन में कई कई लिखी जाए संत विश्वास कर लियो और जो ही झोंपड़े आगे जार कुंडी खड़खड़ाई मुकंदास जी क्यों नरसिंह जी क्यों कहीं बारे खटका बोले कोई नूता देवण आया है एकदम खटगड़ खोली संत जय श्री कृष्णा करी आप रे मैं नरसिंह जी हेठ किसा है
14 जना गुरदास आई क्यों तो अंधा पड़ी यो हाचो गंडो आंगली नरसिंह जी का नहीं करी 14 मानी जमाई के बात क्यों ए नरसिंह जी हेट आपो नरसिंह जी क्यों नहीं भाई शेर तो दुनिया में एक ही है वो है सावरो शेर फिर महापुरुष लिखियो ने समराधारी लीला रो पायो नहीं पार वेद कोनी जान्यो रे दयालु भगवा इंद्र को पेकियो ब्रज माते परिश्यो मूसलधार नत पर गिरवर धारियो रे दयालु भगवा बोलो कृष्ण बलदेव की प्रेम करो प्रेम राधा भगवान से प्रेम करती थी राधा पत्नी नहीं थी भगवान के प्रति प्रेम करती थी प्रेम परमात्मा की तरफ करो तो राधा ने वो स्थान प्राप्त कर लिया कृष्ण से पहले राधा का नाम जुड़ गया आज हम कहते हैं राधा कृष्ण है सीता वो पत्नी थी जो 14 साल तक पति के दुख के अंदर साथ निभाया तो भगवान से पहले स्थान प्राप्त कर लिया आज हम बोलते हैं सीताराम 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 कहिए हैं नहीं तो आज यहां पर देखा गड़िया तब पता ही कौन नहीं क्यों जिन्होंने सच्चे मन से प्रेम नहीं किया उनका नाम नहीं हुआ पर जिन्होंने सच्चे मन से प्रेम किया उनका नाम हो गया नरसिंह जी पूछो महाराज बुरो मत मान जो मस्त फकीर रहा कोई दो शब्द कह दिया था बुरो मत मानो आप रे माऊ काई काम पड़ियो जकी बात बताओ क्यों मैं बहुत दूर हूं आया माने द्वारकापुरी की यात्रा करनी है नरसिंह जी की मत तो ही करूं पड़े हमान बिला यात्रा मैं कौन माऊ का ही काम पड़ियो तो महाराज मने कोई क्यों ना कही है कि नरसिंह जी अटे उंडिया बनाया करे नरसिंह जी की कूड़ी कह दी मैं काम तो कदा ही बंद करिया जित रिपिया हा जित उंडिया ही बनाता उंडिया शिखर थी अब रिपिया ही गरीबा ने बांट दिया अब जे उंडी बनाई दा तो बटे की कौन शिकार है कौन है क्यों मान तो सेन जी की और नरसिंह जी क्यों मंठा की जगह बार लारा हुई है जे दरवाजे मत आया ही फरार नरसिंह जी कूड़ा क्यों बोलो काले तो तीन उंडिया बनाई आज ही बोनी बटा कर दो टेम आयोडा है नरसिंह जी क्यों मोगो या बटक लाई काटना चाहे आप सुखा के महापुरुष लिखियो है धनवंती के कांटो भागे खबर ले वे सब सोई रे निर्धनियो डोंगर सो पड़ियो जाय पूछे ना कोई रे नरसिंह जी परमात्मा ने आंख बंद याद किया रे हे प्रभु विश्वास आया है क्यों नल तो कड़े कह दियो पर ए चारों विश्वास करियो है अर संतारा करे साहिब मई संत साहिब में अंतर नहीं नरसिंह जी शंकर भगवान का भगत था एक समय शिवरात्रि की रात्रि ही और शंकर भगवान नरसिंह जी ने दर्शन दिया और नरसिंह जी ने पूछो आपकी इच्छा कही नरसिंह जी की इच्छा एक ही है आप मिल गया आप कहीं इच्छा है भगवान शंकर की नरसिंह जी थाने एड़ाऊ मिलाऊ थारो रिश्तो अमर उचा है भगवान शंकर नरसिंह जी ने लेर वृंदावन गया और भगवान कृष्ण मिलाया और नरसिंह जी ने कृष्ण के बीच में प्रेम को भाव प्रकट हुए और भगवान क्यों नरसिंह जी आप रिश्तो अमर है माऊ कदे ही काम पड़े तो थे एक पत्रिका लिख दी जो थानाने की जरूरत नहीं मिले साउंसा शेठ मुकाम पोस्ट द्वारका धाम जलम जलम का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा जान डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा ये भारत देश है मेरा ये भारत देश है मेरा बोलो ये भारत देश देखो ते बोलन में कड़ी डोडा निकल जो चिंता मत कर जो बीज किस हुआ देख ना को उंदुड़े को नुके कई भाई उगीज है पर वो तेरे नाम ने रीज बजो सही खीज भूमि पड़िया उग शीर उंदा हुआ बीज है आज नरसिंह जी मन में विचार करियो सावरो भी दिन तो कियो बड़ा आज अटकड़ला पैसा था कहीं उंडिया शिकर है क्यों शिकर है क्यों संता रिपे किता है क्यों 360 क्यों रख दो अटे जड़े एक सेन जी आया ही भरा नरसिंह जी
अब हुड़दास जी ने खुली कर दो आने कहीं ने उन्हें शिकरी नहीं शिकरी गिर जोर में उलार मत रहियो कंद रकम पड़ी है भूखा बैठा हाँ उड़ सके नरसिंह जी बा उन्हें लिखी है आंख बंद करियो है मिले साउंसा सेठ मुकाम पोस्ट द्वार का धाम 360 की उंडी सिखारनी है नरसिंह जी का प्रणाम मानना छे पानो बनार लिख दियो पानो संत जेब में डाल दियो संत की न्याल कर दिया हुरदास जी की वो मान लो जीव जण है थाने तो न्याल करिया नहीं करिया माने तो न्याल कर दिया नरसिंह जी की देखो संता सेन जी जिते संता रे उंडी सिकण को समाचार नहीं आई जी तो पानी की घूंट गोन ले पर नरसिंह जी भगवान की प्रार्थना में लाई गया संत बा पत्रिका ले और रवाना होगा है रस्ते में थोड़ो संता के भाव में फर्क आएगा क्यों कोई ठगरो पानी पकड़ा नहीं है इतो शोक भगवान रे प्रति संको आने अपन दुख मोल लेनो पड़े है संत गिया जार द्वारका नाथ धनी के जार बाजार में पूछियो ये पानेर मजार रेवे के कटी मिले साउंसर सेठ मुकाम पोस्ट द्वार का दाम क्यों मैं तो दुकान लगे बस ये दुकान दी ओपनिंग तो होनी पड़ी ओपन है मिले साउंसर सेठ मुकाम पोस्ट द्वार का दाम क्या होनी होगा आप साथ कौन नहीं आगे पूछो करता दिन रो बदानो वो है पगाने चो जमीन निकलेगी एक तो रकम ठगवीज भी एक झूठो फटो पकड़ा दी है तीन दिन होगा बदितवार लेकिन भगवान के प्रति रति एक शंको करने वन कष्ट भोगतनो पड़ियो नरसी प्रार्थना निरंतर कर रिया है अटिने संत तीन दिन थंटा अटिने तो भूखा और एक पेड़ के नीचे बेचे थे उर पड़गा और बेचे थे उन तई दर्द भरी पुकार भगवान ने करी रे हे ठाकुर थारी यात्रा पद निकलिया ठगीज गया अट्टी ठगी जा जन थारी माला लोग घूंटी में टांग दे यार इतो भाव ना भी वांता ही क्यों मारे पेट में बच्चों रहे जित भोजन कटो मिले मुंडे मिले कैसा नहीं ना भी मिले और भले टेमो आप भले आदमी कनो गुड़िया के शेद की गलूटी दिरावा के बढ़िया आदमी बने कोशिश घनी कर बन संसार मुआजाड़ी अड़ो संति करदास करी ठाकुर देख और सवंसा को रूप धारे रखाई बाता बने रखाई राम सभा सुने अंगर की पागड़ी प्रभु कलम कान में गाल सामने सा को रूप बना के दौड़ पड़ियो रे गोपाल
जय बोलो कृष्ण बलदेव की, मोर मुगुड़ वंशी वाले की। जब संतों का अंतःकरण का भाव प्रभु के प्रति जगा, उसी समय प्रभु ने वो रूप धारण लिया। कर्मा की तरे बुलाते नहीं, इन दोनों का नहीं फोटो आवे गई ने बे होता जगह बार डाडी सही करे हामी ऊपर से नहीं गया तो ना करनी होवे बे गिया बट होता भी ना बे एकदम सही करे एक नहीं होवे ना बोलो रहा और बोलो रहा ने उसे का कोई एडो सिस्टम आ गया आज का ने के ने युग है देवी को गले जी होता रहो सजना ईमान के री कदर समझ लो बस आ गया आनंद है ये बडेरा कोई बूढ़ा बैठा नहीं ये जमीन की भिगोड़ी देता देता अगदी देता ये जमीन को किरायो लागतो राज कर तो ये अपने वास्ते जमीन राख रहा अपने जमींदार बना दिया कृपा घनी करी ना करी नहीं करी कोई पटवारी आ गांव में भिगोड़ी भरने आएगा गांव वाला जीते उठिया कुआ नहीं बस्ती में बढ़िया बार कुत्ता दौड़ा फिरगा बन कहीं बे पटवारी है डर तो हगला नहीं लागे पटवारी जी थैले हमें पेड़ में चढ़गा कुत्ता नीचू भूसे टाला में बैठे बैठे पटवारी जी कुत्ता ने केवे ते बिगो दो बिगे धनी उतान दी तो ठंडा पड़ तो पटवारी कहीं चीज पड़ दे ते सब बिल्ला के ताला हो थारे मागनो तरमीन करने को मेडिटेशन करानो को तो कदर समझे नहीं जब कोई भगवान ने याद करे यार एक रे वर्ष को सोतो है नहीं है भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर मारी रे का न्यारी न्यारी एक गाय रे चार बाछड़ा चारारी कित न्यारी भाई रे पेलो सूरज जीरो सांड दुजड़ो शिवरे ना दियो न्यारी जय बोलो कृष्ण बलदेव की अनंत कोटि कृपा करी है नंद बाबा के घर में 9 लाख गायरो उदाहरण आवे और भगवान कृष्ण जदी तो खुश रहता गौ की सेवा करता गाया चरांता गाय चरांता चरांता यमुना रे मैंने नाग ने नाद दियो है यमुना कूद गयो गिरधारी आगे नाग सुतो बलकारी दे दे नागण गे दे हमारी तू सुन ले नगणी मारी ये बात गेंदड़ली मारी हीरा सोजड़ी कानरे गेंदड़ली खेलने ने मती जाए जसोदा बरजे घड़ी रे घड़ी बैरे दोटो दियो नंद जीरो लाल यमुना में पड़गी गेंद धड़ी बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की ऐसे थे प्रभु ठाकुर जब वो पदवी लगी जब हम याद करते हैं है? सजनो परमार्थ करो घर में सेवा पड़ी है उसको ठकुरा के हम मंदिर में अगरबत्ती करते हैं वो सेवा कौन सी है भगवान कहते हैं मेरी अगरबत्ती से पहले तू गरीब माँ बाप कोई अस्वस्थ है तो तू सेवा में लग जा उनकी सेवा करते ही मुझे सेवा मिल जाएगी है? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा बोलो कभी प्यासे को अमर हो जाओ मैं कौन भी डांस कह सकूं गोपाल जी 15 दिन एक ईर को थारे हाथ रहे नहीं तो थाने जागिने बुलाना कौन पड़ा है घर घर में जागिने हो जाओ कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा तुम
मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया, माँ बाप की सेवा कीनी नहीं, बाद पूजा करने से भाई क्या फायदा। असली पूजा घर में रखी है, उनको हम ठकुराते हैं नहीं। जिन्होंने माँ बाप का दिल दुखाया, जिन्होंने गरीब की आई ली, जिन्होंने बहन बेटी के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनकी कई मुक्ति नजदीक नहीं है, स्पष्ट कह सकता हूं। जिन्हें गौ को सताया, जिन्होंने नंदी को सताया, जिन्होंने गरीब को सताया, विचार करो। आज आपा माँ बाप री सेवा नहीं करा, एक दिन आपा भी माँ बाप बना, बस पपूड़ो आपा री सेवा नहीं करी, दिन केड़ी ग्रीस आई चौकी आई बोली आई बेटा तन दोरो कंडो मोटो करियो, तू मारो क्यूड़ो कौन करे, जरा हामी कह घेंडी बांड कर कौन मोटा करी। हाँ अब बल मोरी गला वे को नियम करीब करीब माते उबरा हाथ धरूनी यार पूछू की कर वही है, जरा 80% निकल जाए कि समीक्षा आई है कि कर कर माई ले मार मरा के करी कर अपा अपारे की भी दुखी। हाँ साहब है, हैं और भगवान रूप धारियो संता को भाव पलटता है, पैर अंगर की पागड़ी कलम कान में गाल, सावल सा को रूप बनाकर दौड़ पड़ियो गोपाल। कृपा भाई भगवान गणी करी कम करी गई कहीं फूट रहा बढ़ाया। जीवता रहे हो देखो हर गुणिया रे फर्क गाल दियो, जे गांव में 20 एक एक गुणिया रे करते थे नहीं जोड़े कौन मिटे, वरे सांवरा सेठ गिरधर थारी माया। अब भगवान थेले रे महीने 400 रुपया लिया है और बड़ी आपड़ी बढ़िया चालो संता का नार करियो, संता प्रणाम छे राम जी राम, संत की अलगा राख ठगी जाए ही ठगी जा राम जी राम। एडी मंठा होती नहीं, मैं भी झोपड़े में ढूंढता कौन नहीं, विश्वास कर दियो मैं जोटो बांधो पकड़ाई दियो, धनी कोई है कौन नहीं। अब भगवान ने रीस हवे कहीं, भगवान तो निर्मल हुए, निर्मलता आना गम खाना और गुस्सा पीना ये अरे के अंदर नहीं मिलता है, ये मिल गया तो समझ लो बर्तन पुरस्कारी जड़े हो चुकी हो है, है? तो महापुरुष लिखियो नहीं, तन्ने फूटरो बनायो भगवान खिलो नो माटी रो, तन्ने बढ़िया बनायो भगवान खिलो नो माटी, अरे नेण दिया रे तने दर्शन करवा, नेण दिया रे तने दर्शन करवा, तने कान दिया रे सुन ज्ञान खिलो नो माटी रो, तने दांत दिया रे इने मुकड़े री शोभा, दांत दिया रे इने तन्ने जीब दिवीरे बजराम किलो नो माटी रो, तन्ने जीब बजराम किलो नो माटी रो, पगलिया दिया रे तन्ने तीर्थ करण ने, पगलिया दिया रे तन्ने तन्ने हाथ दियो रे करे दान किलो नो माटी रो, तन्ने हाथ राम की शब्द कोई घर जाता रो और कोई माया बया दुआरी करे, 8 किला गाय दूध देवे नी बिनी थूत को नाक दे जो आनी थारी छोटी गलती माया बयान कड़ी माया जी भैरुजे चक्कर काटना पड़े। मैं देखू कई बार माया बया वो भी रह गयो गाय हुई हो गयो गाय 8 किला दूध देती एक बाबू आया जो टिपकांडी कर गया हमका जागरण जोड़ दोगा हो गया ये मतलब मैं अगला जागरण में जो हमारे अगले मन हुंड बुला लीजियो। जय हो शिव करे हो मारे गिरधर गोपाल कन्हैया लाल, संत बार बार प्रभु पर रीस कर रिया फिर भी प्रभु प्रणाम कर रिया है, संता प्रणाम। एक संत की और मुठियार आधे घंटे में प्रणाम पकड़ियो है, मैं कहा तो निकल गया तो कूड़े रहे, भगवान क्यों मन सावल सा किया करे,
यार साउंड सा ना हो घंटा घंटा उड़ो ही हो यार विद्या खंड की पैसो अंट को वो निकले को नहीं हो रहा यार साउंड सा की और संत एकदम अच्छी तरह था क्या क्यों साउंड सा क्यों हाँ बे संत थिंदा नहीं करिया बेटा मोटेरा चुकिया तो चोरिया जी है अरे क्यों तने साउल सा किया करे क्यों हाँ मैंने साउल सा किया करे अंदर हम ही जाकिया भगवान रो केड़ो स्वरूप केसरियो पेचो बंदियो जामे चमके भूप शादुड़ा धंगरे ये क्या देखियो राम जी रो रूप हमारा सवरा दरबार की एक संत भगवान रे कानी अच्छी तरह हुंदा क्या मैं कि भगवान तो मैं नहीं बेटा है पर थाने खुदरी खुद नहीं करनी पड़ी यूं कृपा कोई आज वे न कोई काल केसरियो पेंचो बंजो जामे चमके भूप संत जन साधु देखता ही रे क्या देखियो सांवरे रो रूप एक अच्छी तरह जाकिया भगवान खानीन के एकदम दिपड़ी खान पड़िया हेटा भगवान क्यों संत मिर की आवे क्यों तंदे की पची हरूली भगवान कहियो भाई मने तो देखियो मोटो मोटर मिर गया जाती रे थन हरू ये दिन उम्र पर आया तीनों संत एक आती बोलिया मोटियार हौड़ बोल आगे तीन दिन मोड़ो आयो है पूछ पूछ गेला भी गया अगली बाजार छेक दी अरे एक संत ऐसे जाता रिया तुम्हारी यात्रा सफल हुई गई और बेटा कर भगवान रे बेटा करता टेम ही खिती लागे है राम थारी नगरी में काई गाटो कर्मा में लिख्योड़ो मिले रे आटो राम थारी नगरी में प्रभु कई गाटो
सतगुरु जी महाराज की जय हो। अब भगवान रे घर में कोई प्रकार को घाटो नहीं है। काया काहे बाग बाग भी ना पाया नहीं जाता, बिना नसीब तोड़ के फल भी खाया नहीं जाता। भगवान एकदम शुद्र दृष्टियो संता का नी नजर घुमाई, संत बैठा हुआ चारों संत भगवान ने इन प्रकार पकड़िया देके गुड़ के माखी लगी है। क्यों मोटियार मोड़ो मिलियो भाई? अब चारों संत आ बड़ी रकम भूल गा, पर भगवान ने रूप ने देख दिया क्यों भाई वे माता गड़ियो है पुरुषत में बैठी घर रहा है। रूप आदमी रो आदो भाग हुआ है वेग नहीं हुआ है। ओ हो रूप दियो ये माता मावड़ी, कृपा करी है किरतारे। रूप दियो ए माता मावड़ी। एक संत जुड़े संता ने कियो आप बड़ी बात रो कहीं हुई हो याद तो करो। वो यार नीट मिलियो भड़गड़ी निकल क्यों नहीं क्यों भड़ निकले ही है उन सो जोरदार पकड़ उड़ो है। चारू संत कियो रे भाई ओ पत्तो मिले साउंड सा सेट मुकाम पोस्ट द्वारका धाम। भगवान क्यों सा मांगे नाम ही है। अरे बाकी छोड़ है रकम पर गौर कर रकम पर लेन तो ही माती गोड़ का डूडू है जीवता रहे। इम 360 रिपेयर हुंडी शिकारन को लिकुड़ो है रिपेयर लायो। भगवान क्यों 400 ले रहा हो। संत क्यों रिपेयर 40 बता रखे पर गांव में पेट इतनी मोड़ी किक रहे। 3 दिन निकल रहा पूछा क्यों आगे पूछो तो ही मार तो कटी धक्के आया कौन थर दुकान कण चढ़े। भगवान क्यों संत का ही बतावा माली दुकान ग्राह कम यावे। अरे एक रुपए को हो तो कौन लाखा में ला दे नहीं करोड़ा में जो अरब खरब भेड़ा में ला दे आवे एक न के दो बाकी दुकान मत घड़ा ही ठुके पर मारे ग्राह एक कम आवे। आज ही थे चार एक आया हो बाकी तो किस्त में आवे। इतनी भगवान मांड मांड रहा बातों बताओ पर संत लखे बनी क्यों ठाकुर खुद है भगवान साधन मांदर बेटिया संत भगवान ने। ओ हो भगवान की संता थारी रकम पकड़ो यार मने खाइए एक जगह ढूंढिया शिकारनी है कौन कई जगह ढूंढिया शिकारनी है यार थोड़ा मन विदा कर दो। संत क्यों मोटिया रुक रहे दो बात कर ला। अरे क्यों थे खासी टेम भूखा और थे भोजन कर लो और सब कुछ। अरे क्यों भोजन तो मैं कर लिया अन थंदे की बस आधी भूख तो मारी शांत
मने जीती बात बता वो इंडिया लिखे जो थार खाई लगे थारे वीर खाई संबंध है। देखो भगवान खाई कह रिया वारे गिरधर गोपाल ने नो बन जा नानका राई का बाटा बीश बीशा का तो तीस करे मिल जावे जगदीश रई मन देख बड़े नको लगून दीजे डारी जा काम आवे सुई बटकाई करे तलवारी रई मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाय तोटिया से फिर ना संदे संदे गांट पड़ जाय जे गरीब पर हित करे ते रईम बड़ लोग का सुदामो बापुरो बड़ो बड़ाई ना करे बोलन बड़ा बोल हीरा मुख से कब कहे लाख हमारा मोल। भगवान सावन सा बनोड़ा केवे संता जका उंडिया लिखे नी मारे मारे भी से अटूट रिश्तो भी नहीं किया करे जको कटी टूटे कोनी मेरा क्यों नहीं तोड़ी कैसे जावे जी मोवन सूपी तड़ली आ तोड़ी टूटे कोनी संत की बाकी बात जोड़ और काम मन गणो करनो है मन दी तो ही बता दे मुंडिया लेके से को तेरे के लागे है तो भगवान केवे आदि जाने जूनागढ़ नगर द्वार का में पेट में नरसिरो गुमास तो नरसी मारा सेठ मारा सामरा दरबार की बोम्यासा दरबार की अमर हो जाओ राम सभा सबसे बड़ी इससे बड़ा न कोय राम सभा में बैठ के हरि सुमरण करे बिगर कमी न रे वे कोय कबीरा सब जग निर्धना धनवंतो नहीं कोय धनवंतो बिन जानिए जागर राम नाम धन होय कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिना फिरे उदास थोड़ा थोड़ा सभी दुखी एक सुखी राम को दास
जय बोलो कृष्ण बलदेव की, अमर हो जाओ। सोच रही मन में, समझ रही मन में, सोच रही थारो मारो न्यावे हुए लो सतसंग में, थारो मारो न्यावे हुए लो सतसंग में। सतरी संगत में मारी सहेलियां बिराजी, गाय गाय राम गुण, गाय गाय हरि गुण, होई रे मगन में। सोच रही मन में, समझ रही मन में, जय बोलो कृष्ण भगवान की। आदि जाने जूनागढ़ नगर द्वार का पेट में नरसी को गुमास तो नरसी मां का शेर, गुजरात में मुनीम ने गुमास तो कया करे। देखो भगवान दीन दयाल दीन गरीब ने खया करे, जके पर दया करे, अनंत कोटि महापुरुषों की कृपाओं तुलसीदास से वंदन करियो है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया मत छोड़ जो जब लक गट में प्राण। आ रकम तो आंसी जानती रहे है। भाई भाई में प्रेम रखो, ये 500-500 वाला नोट हमारे एकटा क्रिया नहीं, ये गिर का कितना फूट रन लग गए, और मैं इंदर से एक दस वाला निकाला तो घाल दा नहीं, ये ओपे बोल नहीं, क्यों रिपोर्ट नहीं गड्डी में कहीं गली हुई नहीं, वारे सावरिया सेट, हाँ तो जन देखो ये थाल रो मैं ने जाकर शापस बुझो मत, ये गिर की नजर है, आ नजर जे राम जी माते सूरत ठीक जीवन थाले ले जियार, तो गिर पा मुंता टेम लगे को, यार तू 2 लाख रुपया देर निकल जो नहीं हाथ भी कह रुपया काट दे ला, कौन हो सको मेन स्विच बंद कर दियो तो मैं तो खटका अगला ही नीचे पड़ जी। वारे गिरधर गोपाल कन्हैया लाल, सावरिय शेठ की कृपा है। भगवान इति बात की संत गदगद हो गया, संत की भाई तो मुनि तो बड़ो फूट रहे थे, बड़े ममो जो जो कट रहे रहे। भगवान साउंड सा बनोड़ा किया संता, मैं ज्यादातर काश में रहू, बारे कमी निकलू जन तावड़ा क्यों कर लग गया। संत की और एक बात बता मुझे, गांव रे मैंने लोग तन जाने की कर बोल। भगवान की संता होली दिवाली रावा, हाँ पहले दिन आवा धनतेरस का राम संभाल कृपा से निकल जाओ जन लोग कन जाने पर। बड़े एक हाथ जोड़ था विनती करूं संता, एक मारी विनती थी मान जियो के कहीं मारे हेटा ने कही जो मती हुंडी शिकार ने मोड़ो यो नहीं तो नौकरी निकाल देना जमीनों ढांचो पैसे तो ठीक ही से। वरे सावरा सेठ दयालु दीना नाथ, भगवान की महिमा अपरम पार है। भगवान कृष्ण छोटा सा का मां जसोदा ने क्यों मुंह दई जी मुंह जसोदा क्यों कहना आज तो दूध में जमन दी हुई को क्यों आज अक्तो है। कृष्ण भगवान क्यों आज के रोकतो है क्यों आज दूध री खीर बनार चूर मार इंद्र के धोख लगा। इंद्र के धोख लगा हुए क्यों है के वास्ते क्यों कहना तू बोलो तन ठाक वन छोटो है। इंद्र के धोख नहीं लगा हुआ इंद्र बिर का कौन करे। भगवान कृष्ण क्यों मां गुंगा घनाई दे किया एक हीर चूर मां घना घना मैं किताक दिन करा होते आ बात मारे घंटे कम टलाए। जसो दियो एक ली कौन जी मु या पूरा गोकुलवासी यानी आज दिन हगलाई इंद्र उत्सव मनावे आज की प्रसाद इंद्र के सड़े। भगवान कृष्ण क्यों रुको पूछ रहा हूं अगला ने पूछ रहा या कहिया भेड़ा क्यों भाई गाया घास तो अट्टा को जिम्मे गोर्धन पर्वत को अरे भी घास हो गाया दूध देवे अरे मलिंदा इंद्र करे ओ गीतो गावे। आप पर यू करो आज जे इंद्र के प्रसाद नहीं साडार इंद्र मुसलाधार मैं कर दियो जन डूबो दे। भगवान कृष्ण क्यों गूंगा तो कल्टा हो है कद तो मैं करी कद डूबो ही भविष्य की चिंता करो और वर्तमान हुदा रोई कोनी। आज जगो राज है आज हूं थाने क्यों था पर कोई संकट आई तो धनी बनो क्यों ठीक भाई अब थंटा नंतोड़ा देव दोस्त तो घर ही कर रहे हैं है?
आज पूरा और पूरा इंदर के धोग नहीं लगाई रही। इंदर आपरा आगे घना जगह ने पूछ रही, आज ये घर में दिनों टले दोया में टले कहीं सगला की काल पड़ को जार पतो करो गणार पतो कर। इंदर ने कियो नगरियाला रोकी दोष को है नी वो एक कानो कानो करे नी जगो थार धोग बंद करा दे। अब इंदर बात ने पूरी जानी को नीर बंडे रखे हुजी पीछे पूछो बतो गए बिला बिचारिया सो करे सो पचे पिछताय काम बिगाड़े आपनो और जगत हंसी करा। इंदर मुझलाधार में चालू कर दी यमुना नदी आएगी उपाण माते एर गोकुल वर जी क्यों रखाना कहीं करा क्यों जिंदा ही मत करो। भगवान कृष्ण डाली गोडी एर गोरदर पर्वत ले लियो चिटुड़ी आंगली माते क्यों आइयो सगलाई नीचे आ सतरी वे नी बीदनी सतरी रूप लियो है। अरे भगवान गोडी डालोडा अपर दीपावली आवे तर पांच त्योहार ले रहा है सब पहली आवे धनतेरस धनवंतरी भगवान की पूजा करा देवता दानव समुद्र मंथन करियो धनवंतरी भगवान अमरत्व प्राप्त कर और परमात्मा की कृपाओं बर्तन में लेर प्रगट हुआ औषधि रूप रे महीने पर बिन लियो जका अमर होगा। जना पर बडेरा को चैलो चलौडो हो के धनतेरस को बर्तन खरीदनो मन बर्तन एडो खरीदनो जके में चीज रेने अमृत बन जावे। बिर महीने बर्तन होता चांदी का तांबे का कांशी का पहली थलिया कांशी की होती और धीरे धीरे भी कष्ट थोड़ो घो अन्न में जानतो नहीं जना आदमी बीमार कौन पड़ता। आजकल तो कांशी हांशी सब आपा भूल गया लेकिन बडेरा को चैलो एक बहुत बड़ो रहस्य चलाऊ धनवंतरी भगवान की पूजा करा धनतेरस बीर बाद में आवे रूप चौदस बीर बाद में आवे अमोश और एकम कांपा रामा सामा कर गोर्धन पूजा करा गौ की सेवा करा गोर्धन बनावा गोबर को और पूजा करा। एकम के दिन भगवान गोर्धन पर्वत ने चिटुली आंगली पर लियो और इंदर सात दिन तक मूसलाधार बरसियो। आखिर कोई उपाय नहीं लगियो तो इंदर वर्मा जी कने गियो क्यों मैं तो बर्ष बर्ष गेल हो गियो तो आयु कुने बटे वर्मा जी गियो इंदर बोलबणो कर दियो। विष्णु भगवान पूर्ण कला रे मायने अवतार लियो है एर सुबह रो गियोडो श्याम रे घर आइयो गमियोडो कौन कहे तू जा पग पकड़ ले एर इंदर आया भगवान रे एकदम समा यासना कर पग पकड़ ढुका एर गोकुलवासी मन में विचार गिरियो रे ए तो टेम मत आएगा नहीं जना अपन बसा दिया ए खीर चूर में खावे जगह तार पगम पड़िया है ए अगला ऐसा इंद्र मलिंदा घना गिरिया क्यों गिरिया कहीं पूछो ही मत। अब भगवान ने क्यों भगवान ने उतार दो एकम को भगवान चिटुली आंगली पर रखियो पर आचू के दिन उतारियो जके प्रभु रे मायने आपा आजर दिन मनावा हर गांव में गौशाला वे गोपाष्टमी को पर्व वो पर्व आगे आ रियो है और दीपावली आपा के आगे आ रही है। भगवान कृपा करे हर घर में खुशी का दीपक जले सर्वे भवंतु सुखिने और सर्वे संतु निरामया सब सुखी हो कोई दुखी नहीं हो ऐसी प्रभु से प्रार्थना करो बेड़ा पार हो जाए। जड़ के इंदर कोप कियो ब्रज माते बरसियो मूसल धार नख पर गिरवर धार लियो दयालु दीना ना। आज गोर्धन की परिक्रमा होती है हैं लेकिन कुछ अपने स्वार्थ के लिए उसी को आज हम ठेस पहुंचाने में लगे हुए हैं। बोलो सतगुरु जी महाराज की। आदि जाने जूनागढ़ नगर द्वार का पेट में नरसी को घुमास तो नरसी माखा सेठ भगवान रकम पकड़ा दी है संत भी बात ने लकी को है नी। भगवान की संता मन विदा करो क्यों जा मोटिया पर जाऊं तो भगवान ने संत क्यों एक काम करी दिए के काई अब जानता ही सब पहले काम वो करना थारी दुकान रे आगे मोटी नेम प्लेट लगानी है मिले साउंड सा सेट। मैं तो संत आज ने तीन दिन पार पड़ गया जब मारी जगह तो इसो को खेती कड़ा आदमी हो तो तीन टाइम जिम ना लो तनी तो जय माई जी विजयंती बीची आ नेम प्लेट तन पक्की लगानी भगवान के जंद लगा ले। हां अब भगवान तो रकम देर निकल गा
आखो दिन संत यात्रा मात्र लगेड़ा रकम खर्चे अतन लार गिने रिया 360 का शाट एक ही रिपियो गणरोडो नहीं हुआ है संत गियो अपर था जी रिपियो उनसे उन्नाली बीमारी ही आखो दिन रिपिया खर्चा अतना गिना रिपिया बत्ता का बत्ता आ कला हुई कट्टे अब कोई तो कह हुंडी लिखी जगह कन हुई कोई कह शिकारी जगह कन हुई क्यों गांव वाला ने पूछा अरे क्यों भाई मैं आपको दिन रुपया खर्चा और अतना गिना रुपया बत्तार बत्ता दुकानदारी क्यों क्यों कहला बड़ा मार दो घाटो ही गोजा नहीं ए बोली बात ना दोन मत कर लोग हंसेला अरे क्यों थे हाथ रेर खर्च लो अब भगवान की रकम ही बार एक जगह खर्चो कौन वे साहब दुकानदार घड़ो ही माल लियो अतना लार गिनने बेटा अरे के रुपया 360 का शाह क्यों आकड़ा कट हुई दुकानदारी क्यों आ तो कला धार कोई पहली बारी हुई है अरे ये आदमी ने मैं देखियो हाँ बड़ो फोटो आदमी है थोड़ो कद में रोडो है बड़ो मीठो बोले कि तो ही भले कह दो बड़े रीस ना उरी चीज कौन करे साउल सा शेड ना हुए अरे आज लो रुपया 40 बता ले रहे हो मैं तुम्हारे हिसाब रही लिया ईमानदार आवे तो थारे कटी नजर आई हो दुकान थारे घाटू ना बुकिंग करवाए अब संत घनी कोशिश करी क्यों होदा कई टकड़ी नेम प्लेट लगाई उड़ी है तो अब नेम प्लेट होट उड़ी ला दे कई प्लेट तो मैंने अंतकरण में लगानी पड़े है पर गिरधर गोपाल सामरा से अब संत क्यों एक ही उपाय है ओंडी शिकारी जी को तो अपने पास मिले कौन बन लिख नल भी झोपड़े में बैठो है बट साला पीने पूछा अरे चारों संत बटो देख लिया है अरे सेन जी आगे झोपड़े आगे बैठा नरसिंह जी ने हेलो गिरी नरसिंह जी संत जारो आवे 3 दिन पहले रुपया 360 गिर दूर में खाई काम पा अरे मन लगे यार ओंडी शिकारी को नहीं पाउंडा हिसाब भी भरे नरसिंह क्यों मैं तो पानी की घूंट कौन परी नरसिंह क्यों रे ठाकुर जे हुंडी नहीं शिकरी ना तो हमारा कुंडी में टांग दूंगा होश ले जाए सैन जी क्यों मैं तो जमा सा मुकंदा जी क्यों सैन जी जिमन बेड़ा या नहीं क्यों जिमन बेड़ा मन कोटी दिन बेड़ा हुआ वारे गिरधर सामरा थारी भाया बोलो राम और बोलो राम रुकमणी कियो नी मारे सामरी एरा नाम हजार किया लिखो को पत्री प्रभु प्रेम पत्री मारे राम जीरा नाम हजार जोर मुझे जिमा ठोकी जान बड़ी मैं गुनाई गाई है संत एकदम आया आंता ही बारी पे की पोटड़ी ये जगह नरसिंह जी पगा में फरक दी नरसिंह धन्य है थारी माया नरसिंह क्यों माया क्यों हाँ थारी उंडी शिखर की क्यों उंडी का शिखर की रीपे ऊंचा ऊंचा टाट बिखर की इमे रीपिया है क्यों हाँ उंडी शिखर नलो केड़ो को क्यों वाह भाई वाह हेटा मुनीम तो बसे मुनीम रह क्यों क्यों मुनीम क्यों माने कहो आदि जाने जूनागढ़ नगर द्वार का पेट में नरसी का गुमास्तार नरसी मांका शेट हो इतनी बात सुनी पर नरसिंह जी रे आंखिया मुंह दर दर आंसू आएगा बण नरसी रो गुमास तो प्रभु हुंडी दिवी शिकार नरसी का नेणा में चाली आंसू डारी तार
बोलो भोम्याशा दरबार की। बण नरसिंह गुमास तो प्रभु उंडी दिवी शिकार, नरसिंह का नैना में चाली आंसुड़ा की धार। नरसिंह जी आप रोवो क्यों हो? नरसिंह जी क्यों संता कहीं बताऊं, ये गरीब खातर मारे भगवान ने मुनिम बनना पड़ियो। क्यों भगवान जका तीन तिलो की ना था संत मातो पकड़ बैठ गया क्यों नरसिंह जी इति माने ठा होते नहीं तो मैं पुणजो छोड़ता कौन शक में ही गिरी हो गया मामलो तो कहीं और हो सके मन माने जबगो जबगो पड़ी हो नरसिंह जी जबगो अगलो फोटो जबके भी हम तो आंदो जोगो क्या हो तो जोगो जबगो अगर पड़ जाए और पास नहीं पड़े तो पिस्तो मिटे है वारे शामरा सेठ गिरधर गोपाल पर इति बात सुनता ही जो नरसिंह जी परम पिता परमात्मा भगतरी बेल से दिया है तो रोण की काई बात है नाचो और नरसिंह जी काई भगवान रे प्रति नाचे रखाई बात बांध पगा में गुगरा नरसिंह हाथ दिवी खरताल नरसी नाचे प्रेम से अरे गावे मदन गोपाल मारा सामना गिरधारी अमर जाओ देवली तलाई डाड़ी स्वामियान बिदासर की पावन भूमि राधा कृष्ण गौशाला और परम प्रातेष्मणीय देव भोमिया जी महाराज के दरबार में आयोजन करता सीताराम जी दीनदयाल जी जांगीर दड़ीबा बिदासर विनीत समस्त ग्रामवासी डाड़ी स्वामियान बिदासर आपके सामने भजन गायक निम्बाराम मांजू गाविंदा शिला नागौर संपर्क सूत्र 7568 333 118 ऑर्गन की संगत तुलसीराम जी सिंवर गांव भेड़ जिला नागौर रिदम की संगत भाई राकेश गांव सिंगड़ जिला नागौर और चींज की जड़कार भाई रूपाराम जी शेख मुंडासर की पावनधरा नागौर और साउंड सिस्टम राधे कृष्ण साउंड सिस्टम इंदास दुर्गाराम जी चोटिया राकेश चोटिया और विशेष आशीर्वाद सामने बेटी राम सभा का अति विशेष आशीर्वाद परमपिता परमात्मा का और भोमिया जी महाराज का माँ गौ माता का अनंत कोटि भगवान की कृपा ओम स्टूडियो बिदासर
इस नाम से आप इस कथा को कभी भी सुन सकते हैं। आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। मारी होंडी शिकार जय बालो कृष्ण बलदेव की, दादा भूमिया जी महाराज की, गौ माता की। बांध पगा में गोगरा नरसी हाथ लिवी खरताल, नरसी नाचे प्रेम से गावे मदन गोपाल जी नाचो। मारे गिरधर गोपाल कन्हैया लाल, तुम संग प्रीत लगाई कृष्णा 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 कृष्णा। अब प्रीत प्रभु के प्रति लागी है। संत की नरसिंह जी मारे एक समस्या और होगी, रकम कूद कूद गणी खर्चो करियो पर गिनती करी तो 360 का ही 60 रुपया। नरसिंह जी की संता अप्रभु की रकम है, और प्रभु की रकम हर एक जगह खर्ची जे कोनी, आ तो कोई संता के भंडारे में जी खर्ची जी अटी लागी। और आज मन लागे है कि झोपड़े में तीर्था को तीर्थ बढ़ चुकियो है। सजनों नरसिंह जी भगवान ने नानी बाई के टाइम याद किया, सऊदे की जगह मायरो कितो भरियो, सऊदे का सऊदे चौदह अट्ठाईस चौतरी बियाड़ चौदह चौक 56 करोड़ को वे नरसिंह भारत गुजरात जूनागढ़ काठियाड़ा प्रांत पिता कृष्ण दामोदर दास माता लक्ष्मी गोरी पुत्र श्यामल दास पुत्र की पत्नी जेठू बाई लड़की नानी बाई नानी बाई का पति बसंत राय नानी बाई की लड़की लक्ष्मी बाई गुरु पीपो जी महाराज नरसिंह संगत पिपोजी कीनी सुई पर बात अड़ी रे 56 करोड़ रो भरियो महारो आया आप हरी। ऐसे प्रभु की बहुत बड़ी प्रीति है। जद केवे नरसी संगत पिपोजी कीनी सुई पर बात अड़ी 56 करोड़ भरियो मायरो खुद आया आप हरी आ सत्संग अमर जड़ी जिते सेन जी पचाएगा। नरसिंह जी क्यों सेन जी दौड़ की जरूरत नहीं है, विश्वास रखे जगह कृपा यू है। अब भले घेर जोर में खाता ही जीव कई बार रकम बढ़िया संता को भंडारो वे, और दूर दराजो भक्ता ने निमंत्रण भेजे, और संपूर्ण होने के बाद में नरसिंह जी भगवान ने धन्यवाद देवे है। और केरिया संता आप समझियो तीर्थ अधूरा रहेगा, थाका सब तीर्थ है जगह झोपड़ी में उछू किया है। सब तीर्थ संता के शरणा, संता के शरण में सब तीर्था को तीर्थ है। सतसंग पहला दो सतसंग श्रिया देरी कीनी नाम की जान पड़ी, ताता थम्ब क्रिया हिरणा कुछ जार थम्बाऊ बात भरी। सुग्रीव संगत राम जीरी कीनी बांदर फौज बनी, बांदरा की काई समर्था जार रावण अड़ी। नरसी संगत पीपो जीरी कीनी सुई पर बात अड़ी 56 करोड़ रो भरियो मायरो खुद आया आप हरी। लोवे संग काट का कीना जल पर जाजा तिरी, केवे कबीर सुनो भाई सादा ये बाता है खरी। आ सत्संगे अमर जड़ी नरसी जी केवे प्रभु ने नरसी भगत की बीनती मेरे प्रभु जी तनी पुकार। नरसी भगत रा राम जी अरे कर दी ना बेड़ा पार अरे
कर दिया फेरा पार सामरा गिरधारी सामली सुरतिया मोमनी मूरतिया सामली सुरतिया मोमनी मारतिया घुंघराला तने बारे उड़ी सिकर महाराज सामरा गिरधारी अरे सामरा गिरधारी अरे सामरा जय बोलो कृष्ण बलदेव की भगत और भगवान की भोम्याशा दरबार की गौ माता की नरसी भगत री वीनती मेरे प्रभु तनी पुकार नरसी भोले भगत का प्रभु कर दिया बेड़ा पार। वैसे तो नरसी जी का कई कार्य भगवान सिद्ध करिया जट जट भगत में विको पड़ियो सच्चे मनो भगत प्रभु की पुकार लगाई क्यों भगवान रे प्रति लिखियो है कीड़ी ने कण सांवरो पूर्वे हाथी मन भर खाई अनड़ पगसी उड़े आकाशा बिनी चुगो चुगाई राख भरोसो भाई राम जीरो राख भरोसो भाई जे तू राके राम भरोसो घर में कमी न रेवे काई। बोलो सतगुरु जी महाराज की। जो प्रभु के प्रति अटूट नित्य विश्वास करता है उसको कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। भगत में ताकत है तो आज कलयुग में भगत सतयुग ला सकता है। इस कलयुग के अंदर तो बिल्कुल आसान तरीका बताया है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नरे उतरो पारा। स्वयं भगवान शंकर ने लिखा है पार्वती को बोला हे सती उमा कहूं मैं अनुभव अपना शतहरि भजन जगत सब सपना शतहरि नाम जगत सब सपना उमा कहूं मैं अनुभव अपना शतहरि भजन जगत सब सपना। और यही तो संतों ने लिखा है उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बोलो गिरधर गोपाल की बोम्या जी महाराज की गौ माता की बहुत बहुत ओम प्रकाश जी को भी और इनके स्टूडियो को और इनकी एकाग्रती को मैं हाथ जोड़ के कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करता हूँ। बोलो राधे राधे। सुदारा देवला रे समदा मन भाया रे अरे आसोदारा देवला रे समदा मन भाया रे अरे सीपा मोती दीप दे रे हीरा दरिया वारे मोती दीप दे रे हीरा दरिया मारे अरे भाई जागोर गगरा भाविया रे
सत कई हारो रे अरे थरे राम भजन री अरे भाई हरि शिवरण री अरे थरे माला रे फेरण री फेरिया रे बिरथा जावे जमारो रे हो जासी रे अरे हरिया हरिया रूकड़ा रे कीर्तन हो जासी रे अरे भाई केला धड़ेला पानड़ा रे पच समूड़ा जासी रे अरे केला धड़ेला पानड़ा रे समूड़ा दासी रे अरे भाई जागो रे जगरा भाविया रे हिम्मत कहीं हारो रे अरे थरे राम भजन रे अरे थरे मड़ा रे फिरण रे शिवरण रे फेरिया रे फिर था जावे जमारो रे संत सग आगड़ा रे भजदंता हाथी रे अरे संत संत सब आगड़ा रे भजदंता हाथी रे अरे भाई भाकर भोज अरे भाई जागो रे जगरा भाविया रे मत कहीं हारो रे अरे थारे हरि स्मरण रे अरे भाई राम भजन रे बेलिया रे फिर था जावे जमारो रे बड़े उजाड़ो ओ वियो रे क्यों दिवला बाती रे अरे बड़े उजाड़ो ओ वियो रे क्यों दिवला बाती रे अरे भाई हाथ जोड़ने बोलिया रे बकसोदी खाती रे अरे हाथ जोड़ने बोलिया रे पग सोदी खाती रे अरे भाई जागो रे जगरा भाविया रे हिम्मत कहीं हारो रे अरे थरे राम भजन रे अरे भाई हरि स्मरण रे आतो माड़ा रे फेरण री बेलिया रे फिर था जावे जमारो रे बोलो भोनिया जी महाराज जागो जगरा भाविया हिम्मत कहीं हारो अरे राम भजन री बेलियार बिरता जावे जमारो।
शांडीले गांव में संत हुआ बक्सा राम जी खाती मान ली क्यों रे भाई आई मत करण की टेम है हिम्मत है वही सब कुछ है बर बहादुर वो बरसियो जड़ जावे एलो अरे नीर नितरियो पीव जेर गुदलिया पचे गारो पानी है ना तो वो नीतरो पीवन के काम को गुदलिया पचे जब तक वो नितरी नीत तक आपने इंतजार करनो पड़ी जागो जगरा भावी आए मत कहीं आरो अरे हरी सुमरण भी बेड़ यार वीरता जावे जमर आशोदारा मेवला समदा मन भाया हीरा मोती नीप दे शीपा मोती नीप दे हीरा दरियावा अरे जागो जगरा भावी आए मत कहीं आरो राम भजनरी बेड़ यार वीरता जावे जमर हरिया हरिया रूकड़ा इधन होता सी हागाई रूकड़ा है किता हरिया है लेकिन एक समय एड़ो आवे के उबा वही हुक एर बली तो बन जावे हरिया हरिया रूकड़ा इधन हो जासी पेली जड़ेला पांदड़ा पचे हमुलाई जासी अरे जागो जगरा भावी आए मत कहीं आरो एर राम भजनरी बेड़ी अमृता जावे जमात संत संत सब आगला गद दंता आती बाकर फोड़े भरमरा शब्दारी डांची अरे जागो जगरा भाविया हिम्मत का यारो हरी सुमरण भी बेड़ी यार बिरता जावे जमा और महात्मा लिखे इवड़े उजाड़ो अवियो जो दिवला बाती आत जोड़ने बोली अबक्षो दी खाती अरे जागो जगरा भाविया हिम्मत का यारो राम भजनरी बेड़ी यार बिरता जावे जमारो एक इन जोड़े रुई भजन है वो और बोल दो बाद में आरती का अरे भाई दाय पड़े तो मान ले रे अरे भाई रत्न पदार्थ मान को मिल गो पीरता तू खोवे रे अरे रत्न पदार्थ मान को मिल गो पीरता तू खोवे रे Oh, man.
भैया डोबते रे आधा मूर्ख डोले रे, अरे हीरा भैया डोबते रे आधा मूर्ख डोले रे। अरे भाई आयो रे हीरा रो मार की रे जमरी पण खोले वो, अरे आवे हीरा रो मार की वो जमरी पण खोले वो। अरे थारी मर्जी वे तू, अरे थारो मन माने तू, अरे थारे दायो पड़े तो मान ले रे गुरु समझावे रे। मर्जी वे तो मान ले सतगुरु समझावे, रतन पदार्थ मान को पर अगर कदे न जावणो क्यों मान गमावे, मान गमावे आप रो कछु हाथ नहीं आवे। अरे थारी मर्जी वे तो मान ले सिमरत समझावे, तालर खेत नहीं बावणो क्यों बीज गमावे, बीज गमावे बावड़ा हासल हाथ नहीं आवे। अरे थारी मर्जी वे तो मान ले सिमरत समझावे, हीरा पड़िया चौटे आंधा मूर्ख डोले आवे हीरा रो पार की बने जमरी खोले, अरे मर्जी वे तो मान ले सतगुरु जी समझा। बुढ़िया बडेरा रिकावत है कि भेरी भोकार मारे गिरे जके अणचिती आया करे, काल भमे सिर ऊपरे अणचित्यो आवे गांव सांडी लामाई ने खाती बगसो जी गावे, अरे मर्जी वे तो मान ले सतगुरु जी समझा। अब बोला आरती ठीक है कपूर गोरम करुणा अवतारम संसार सारम बुजगेंद्र जय जगदीश हरे वो प्रभु जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय
Hare Murare, Hare Narayana.
उमापति शिव शंकर की जय हो। राम जी की जय, सीता माता की जय हो, दशरथ के लाल चारों भाइयों की जय हो। लाल हनुमान जी की जय हो। श्री राम हरे, श्री कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री राम हरे राम राम राम, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। रामचंद्र भगवानपति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भौमिया जी महाराज की, गौ मात की, अपने अपने मात पिता गुरुदेव की, आज के आनंद की, नगरी में गांव में राम जी राम महाराज।